नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डीकोड एग्जाम पे। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक क्रैश कोर्स आ रहा है, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले हम आपकी अच्छे से तैयारी कराने के लिए, ठीक है, हम कटिबद्ध हैं। तो हम इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है अपना एक विज्ञान यानी दैनिक विज्ञान से संबंधित जो है विषयों को हम यहाँ पे बारी बारी क्रम से आपको टॉपिक वाइज आपको कराएंगे। तो छात्रों, उसी क्रम में आज हमारा सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वेटेज है हमारा डेली साइंस के अंदर, दैनिक विज्ञान के अंदर, उसमें जियोलॉजी का है, फिर बॉटनी का है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। तो हम सभी चीज़ों को यहाँ पे समय समय पर जो है आपको अपडेट करेंगे और साथ में आपको क्लासेस के साथ आपको सारी चीज़ों को कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे क्लासेस को करिएगा। तो उसी क्रम में छात्रों, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मानव रोग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव आकारिकी से, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न और उत्तर आते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं मानव रोग, जिसमें कारक बात करेंगे हम लोग कि इसे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, जो भी कारक होते हैं हम लोग के रोगों को पैदा करने वाले, रोगों के कितने प्रकार है उनके बारे में, और उनसे संबंधित जो भी है यहाँ पे उपचार या हम लोग उससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी टेस्ट होती हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग पूरा करेंगे। तो ये क्रैश कोर्स को करना ना भूलें और चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। जो है हमारा जो टॉपिक होगा आज का वह है मानव रोग। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा पूरा जो है यहाँ पे सीखने के लिए। पहली चीज तो आपसे पूछता है कि रोग क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं छात्रों, रोग क्या है, रोग यानी कि डिजीज क्या है। रोग आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन दिया जा रहा, अलग अलग प्रकार से लोगों का जो है हेल्थ को, WHO को आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि जेनेवा के अंदर है, 7 अप्रैल 1948 में उसको एस्टैब्लिश किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन है। तो छात्रों, उनके अनुसार रोग की परिभाषा, अन्य तरह देखा जाए तो मेडिकल साइंस में भी रोग की परिभाषा अलग है। आप सब समझ रहे होंगे छात्रों कि रोग एक शरीर की एक ऐसी अवस्था है छात्रों, जिसको हम असाम्य अवस्था कह सकते हैं, इम्बैलेंस स्टेज बोल सकते हैं, या हम अनकंफर्ट स्टेज बोल सकते हैं, यानी बेचैनी की अवस्था, परेशान कर दे आपको, यानी आपके शरीर के अंदर जो है वो हार्मोनिक जो है डिस्टरबेंस पैदा करे। यहाँ पे कह रहा है रोग एक विशेष असामान्य स्थिति है, जानना जरूरी है। यहाँ पे डिजीज ए पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन, जाहिर सी बात है, जैसे आपको इसे आप जो है सुकून से बैठे हुए हैं एकदम आराम से रिलैक्स, आपके सिर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाए तो छात्रों आपको क्या लगेगा, भाई आपका शरीर बेचैन हो गया, असामान्य हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन पैदा हुई, तुरंत आपको बेचैनी होगी। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई प्रकार का विकार आपके अंदर या व्यवधान रुकावट पैदा हो रही है। छात्र चले जा रहे हैं, पैर में आपके अचानक से दर्द उठ गया, पेट में आपके दर्द उठ गया, कभी आप चोटिल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी चक्कर आ गया, कभी बेहोशी आ गई, ये छात्रों क्या है, हमारे तरह के यानी कि शरीर में होने वाले रुकावट, या इसी को हम लोग रोग कहते हैं। तो रोग एक विशेष असामान्य स्थिति है, किसी संरचना या कार का एक विकार जो किसी जीव के किसी भाग या पूरे को प्रभावित करता है। अब छात्रों यहाँ पे जो दूसरी लाइन उसके बारे में समझने से मतलब ये है कि यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, सपोज करिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये खांस रहे हैं, आप खांसते हैं तो ऐसा नहीं कि शरीर के दूसरे हिस्से आपके बेचैनी से ना ग्रसित हों, यानी सुकून से बैठे हों, एकदम आसानी से बैठे हों, रिलैक्स फेज में हो, नहीं, यानी अगर आपका शरीर का कोई एक अंग प्रभावित होता है तो उस समस्त शरीर के भागों को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है, उनको भी चिंता करनी पड़ती है। यहाँ पे कह रहा है किसी संरचना या कार का, कोई भी संरचना में समस्या आ जाए, मान लीजिए आपके हार्ट में आ जाए, ब्रेन में आ जाए, आपके लंग्स में आ जाए, किसी भी एक संरचना या कार का विकार जो किसी जीव के किसी भी भाग या पूरे भाग को प्रभावित कर सकता है, छोटे से हिस्से को भी लेकर। अब हार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो पूरा सर्कुलेशन गड़बड़ होगा, ब्रेन में समस्या आएगी, मस्तिष्क में, तो आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर व्यवधान आ सकता है शरीर के किसी भाग में, डायबिटीज हो जाएगा आपको मधुमेह, छात्रों पूरे शरीर के अंदर आपने देखा, चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो गुर्दा हो, चाहे वो किडनी से होने वाला आउटपुट यूरिन का, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आगे कहता है छात्रों, रोग के कारण संबंधी अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है पैथो, पैथो का मतलब होता है रोग छात्रों, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, रोगों का अध्ययन जिस विभाग में विज्ञान की करते हैं उसे हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं छात्रों। और आगे चलकर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विकृति विज्ञान कहते हैं, जो रोग को अक्सर विशिष्ट लक्षणों और संकेतों से जुड़ी एक चिकित्सीय स्थिति में समझा जाता है। छात्रों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लक्षणों और संकेतों से, साइन और सिम्टम से, जैसे आपने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है छात्रों, अब ये क्या है, ये एक प्रकार का जो है सिम्टम्स है। किसी का चेहरा आपने देखा लाल हो रहा है, बिल्कुल स्वेलिंग है उसके चेहरे पर, सूजन है, तो वो साइन हो गया, एक पहचान है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई पेशेंट जो व्यक्ति बताता है उसको हम लक्षण कहते हैं। कोई कहता मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही, मुझे बेचैनी हो रही, सब सिम्टम्स हैं, इन्हें हम मेडिकल साइंस में लक्षण कहते हैं। और संकेत का मतलब होता है साइन जो आपको ऑब्जर्व हो रहे, जब आप नॉर्मल एक इंसान किसी के अंदर देखता है क्या उसका चेहरा उतरा हुआ है, जो भी है छात्र उसको हम संकेत कहते हैं। द कॉजुअल स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी, डिजीज ऑफ्टन कंसिडर्ड मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सिम्टम्स
एंड साइन छात्रों, आप सबको पता है इनको जानना भी बहुत जरूरत है। अब आपसे जैसे छात्रों कहता है मुझे मधुमेह हो गया, कोई कहता है कि मुझे डायबिटीज हो गया, तो भाई डायबिटीज की क्या पहचान है, तो आपसे साइन और सिम्टम्स दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि भाई उसके सिम्टम्स क्या है। पेशाब बहुत ज्यादा होगा, पॉलीयूरिया होगा, बहुमूत्र रोग होगा, शरीर खुरखुरा होगा बहुत ज़्यादा, शरीर में कमजोरी होगी, वेट उसका जो है गिर रहा होगा छात्रों, है कि नहीं, तमाम तरह के व्यवधान डायबिटिक न्यूरोपैथी पैदा हो सकती है। साइन आप देख ही सकते हैं छात्रों, जो हमने आपसे कहा कि जो दूसरों पर लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम साइन या हम उन्हें क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं छात्रों। तो ये है रोगों के बारे में। रोग क्या है छात्रों, आपको हमने बता दें कि दुनिया में पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, समस्त लोग हैं, उनके हमने आपसे बताया था कि यहाँ से जाने का यानी उनके देहांत होने का, उनके मृत होने का, समाप्त होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो छात्रों कोई ना कोई रोग है। और रोग जो है आप छात्र जान रहे हैं तो रोग है, तो रोगों से बचाने के लिए भी आपको कुदरत ने, नेचर ने आपको एक इम्यूनिटी पावर दी है, एक प्रतिरोधक क्षमता दी है, एक शील्ड सिस्टम दिया, बचाव दिया, ताकि आप इन रोगों से बच सके। तो छात्रों रोग तो हैं, एक तरफ शरीर है, एक तरफ रोग है, और एक तरफ रोग से बचाने वाला है, एक तरफ छात्रों रोगों को पैदा करने वाले भी कारक जो है नेचर ने पैदा किए हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगल जैसे विषाणु, जीवाणु, फफूंद, कवक, ऐसे जो है छात्रों हैं वो कारक हैं जो रोगों को पैदा करते हैं। अब इनसे हमें बचाने वाला जो है वो हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो हर वक्त हमें इनसे रक्षा करता है। यदि उसके ऊपर हमला हो या वो वीक हो जाए, कमजोर हो जाए छात्रों, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा छात्रों। उसका फिर निवारण के लिए आपको उपचार करना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो छात्रों आगे ये तो हो गए रोग, जो हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था है जो असाम्य अवस्था है, अशांति की स्थिति है, जिसे हम रोग कहते हैं छात्रों। नेक्स्ट आगे कहता है आपसे कि रोगों के प्रकार हैं छात्रों। देखा जाए तो रोग बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन रोगों के भी कुछ खास प्रकार हैं। एक तो वो रोग हैं छात्रों जो जन्मजात हैं छात्रों, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वो जन्मजात हैं, कंजेनाइटल बोलते हैं मेडिकल साइंस में, जन्मजात का मतलब जो कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है छात्रों आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक, उन्हें हम कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। जैसे आपको पता होगा छात्रों की कभी कभी आपने देखा है कि कुछ बीमारियां हैं जो माँ बाप से आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सुना होगा, हीमोफीलिया के बारे में आपने सुना होगा छात्रों, सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है, डायबिटीज भी छात्रों बहुत हद तक आपने सुना होगा कि जन्मजात विकार भी हो सकता है, इसके कारण माँ बाप से भी जीन से हो सकता है, मोटापा है किसी के घर में आपने उसको भी देखा होगा, बाल्डनेस है, गंजापन है, वो भी हो सकता है छात्रों, ल्यूकोडर्मा सफेद दाग है, वो भी कहीं ना कहीं पर जो है पात्रक हो सकता है, हृदय रोग संबंधी बीमारियां हैं वो भी छात्रों कहीं ना कहीं पर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है, वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। रोगों को मोटे तौर पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है छात्रों, पहला है जन्मजात और जिन्हें हम कंजेनाइटल बोलते हैं, और दूसरा है छात्रों उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है यहाँ पे एक्वायर्ड किया गया, लिया गया बाद में, स्वस्थ शरीर पैदा हुआ बच्चा, अब शरीर जो है यहाँ जीवन जी रहा है, बड़ा हो रहा है बच्चा, उसके बाद उसके ऊपर रोग आ जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, कोई भी तरह का व्यवधान जो कि पैदा होने के बाद यानी जन्म से न रहा हो छात्रों, उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, यानी कि अर्जित किया हुआ है। तो क्लासिफाइड करते हैं कंजेनाइटल यहाँ पे देख लीजिएगा, और एक्वायर्ड, दो बीमारियों के दो प्रकार हैं। फिर छात्रों ये जो आगे लिखा है एक्वायर्ड वाला जो आपका लिखा है, अर्जित किए हुए रोग भी दो प्रकार हैं छात्रों। यहाँ पे जो आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं ये वाला आप क्लास देखिएगा, अर्जित वाले भी दो प्रकार से हैं। अब आप स्वस्थ हैं लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एक वो रोग है छात्रों जो जन्मजात तो नहीं है लेकिन उनके भी दो प्रकार हैं। एक वो रोग है जो किसी कारक के द्वारा पैदा हो जाते हैं, यानी संक्रमित रोग छात्रों, संक्रमित रोग को हम लोग बोलते हैं छात्रों इन्फेक्टियस डिजीज, और जो असंक्रमित रोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस या असंक्रमित रोग, जो किसी संक्रमण के द्वारा ना हो, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंद के द्वारा ना हो, जो कि आपको किसी अन्य कारक के द्वारा पैदा हो, जैसे छात्रों डायबिटीज हो जाना, जैसे छात्रों डायबिटीज के अलावा थायराइड की एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या है जो घर घर आपको महिलाओं में ज्यादातर मिल जाएगी, पथरी की समस्या छात्रों मिल जाएगी, ये सारी वो बीमारियां हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, नॉन इन्फेक्टियस हैं, यानी कि इनको संक्रमण के द्वारा नहीं फैलाया जाता। संक्रमित रोग वो होते हैं जैसे COVID-19 आया था आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा है छात्रों, हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया,
ये सभी बीमारियां जो हैं छात्रों वो इन्फेक्टियस हैं, संक्रमण से पैदा होती हैं। तो यानी कि रोग दो प्रकार के हैं मोटा मोटा तौर पर, एक वो जो जन्मजात होते हैं जिन्हें हम कंजेनाइटल बोलते हैं, एक वो रोग हैं छात्रों जो कि पैदा होने के बाद पैदा होते हैं, लेकिन उनमें भी दो हैं जिसमें हमने आपसे कहा कि एक इन्फेक्टियस है संक्रमित रोग है और एक असंक्रमित रोग है जिनमें कि किसी भी कारक की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती, यानी जर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती, वायरस बैक्टीरिया पैथोजेंस की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आप सीधे संपर्क में भी आते हैं तो आपको वो रोग नहीं पैदा होगा। डायबिटीज वाले से अगर आप हाथ मिला लेते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं हो जाता, थायराइड वाले से छात्रों अगर आप हाथ मिलाते तो आपको थायराइड बीमारी नहीं हो जाती, सफेद दाग की बीमारी अगर किसी को आप हाथ मिलाते हैं तो सफेद दाग आपको नहीं हो जाएगा छात्रों, यानी वो रोग हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से संचारित नहीं होते, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और एक छात्रों बीमारियां हैं जो तेजी के साथ, सर्दी जुकाम हमने आपसे बताया, हेपेटाइटिस है, HIV है, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, ये सभी संक्रमित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं छात्रों, आगे कहता है जन्मजात रोगों के अंदर अगर हम बात करें, ये जन्म से मौजूद शारीरिक या शारीरिक असमानता है इनके कारण हो सकते हैं कल जीन्स क्या है छात्रों, आप जानते हो पहनने वाली जीन्स नहीं है, जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र का जो है इकाई होती है, हमारी आनुवांशिकी की जेनेटिक्स के जो है एक इकाई होती है जीन्स, यानी हमारे जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोजोम्स होते हैं छात्रों आपने पढ़ा होगा, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने जिन्हें जीन्स कहते हैं, जीन्स भी अंदर आप तोड़ेंगे तो DNA की चेन और कुछ प्रोटीन मिलेंगे। तो आगे क्या कह रहा, हर करेक्टर्स के लिए, हर हमारी पहचान के लिए एक ना एक जीन्स रखा गया, जिस तरह से स्विच सॉकेट बोर्ड में आपने देखा होगा कि एक बल्ब को जलाने के लिए एक पर्टिकुलर स्विच होता है, एक पंखे को चलाने के लिए आपने देखा एक स्विच होता है, उसी तरह से नेचर ने हमारे शरीर के अंदर ऐसे आनुवांशिकता के अंदर देखा जाए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, जो हर करेक्टर्स के लिए जिम्मेदार हैं। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है छात्रों, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, अलग अलग प्रकार के जो व्यवहार होते हैं ये भी हमारे जीन्स के कारण होते हैं छात्रों। तो वही कह रहा है कि जन्म से जो मौजूद जो है इनके क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं एकल जीन उत्परिवर्तन जैसे अल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और वर्धानता यानी रंग का अंधापन, जिसे हम वर्धानता छात्रों या कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये जन्मजात रोग हैं क्योंकि हमारे माँ बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आनुवांशिकता के तहत जो है ट्रांसफर किए गए हैं। तो छात्रों इनको हम लोग कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं या हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है छात्रों, यानी ये वो लक्षण हैं जो जन्मजात मिले हैं। आगे बात करता है छात्रों उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड का मतलब जो बीमारियां बाहर से ली गई हैं आफ्टर ऑल बर्थ, पैदा होने के बाद आप स्वस्थ पैदा हुए लेकिन समय के अनुसार आप किसी भी यह संक्रमण के लपेटे में आ जाते हैं अगर चपेट में, तो आपको बीमारी हो जाती है। कब? देखिए बीमारी यूं ही नहीं हो जाती छात्रों, हमने आपसे बताया था एक इम्यूनिटी है, एक प्रतिरोधक क्षमता है एक तरफ जो हमारी हर वक्त जो है हम डिफेंस करती रहती है, बीमारियों से बचाती रहती है शरीर में, हमारी बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं जो कि आपने पढ़ा भी होगा, आगे हो सकता हम पढ़ेंगे भी, तो वो भी हमें डिफेंस करती रहती हैं इन कीटाणुओं से। ये बीमारियां जन्म के बाद विकसित होती हैं, पहली बात। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, संचारित और गैर संचारित, यानी कम्युनिकेबल जो आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसानों में फैल जाती है, और एक होती है गैर संचारित जो कि एक हमने आपसे बताया एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं पहुंचती है। आगे देखें छात्रों संचारित में जैसे विषाणु जनित रोग हैं, रिकेट्सिया है, जीवाणु है, कवक, प्रोटोजोआ और अन्य कृमि रोग हैं, ये सभी क्या हैं, ये सब एक्वायर्ड डिजीज हैं लेकिन इन्फेक्टियस डिजीज हैं, संक्रमित रोग है छात्रों, एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी के साथ ये फैलते हैं, जन्मजात नहीं है छात्रों, ये उपार्जित लक्षण है। आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छात्रों, अब शुरुआत करेंगे, पहले रोगों की शुरुआत जो होती है वो विषाणु जनित है छात्रों, आप विषाणुओं का नाम सुनते सुनते थक चुके होंगे, वायरस का नाम, बैक्टीरिया, जीवाणु का नाम, प्रोटोजोआ का नाम सुन चुके, फफूंद का, फंगस का भी नाम आप लोग सुन चुके हैं छात्रों। उसी तरह से अगर हम देखें तो नेचर ने जो है पृथ्वी पर बीमारियों को पैदा करने के लिए कारक पैदा किए हैं, एक वेक्टर्स पैदा किए, कारक के मतलब एक फैक्टर समझ लीजिए जिसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, जिसके अंदर वायरस सबसे टॉप पर आते हैं। अक्सर आपने छात्रों सुना होगा जब भी कोई वायरल डिजीज होती है, विषाणु जनित रोग होता है, तो वो आसानी से ठीक नहीं होता है छात्रों। और ये भी बात कहा जाए छात्रों, या तो ज़्यादातर जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो लाइलाज भी हो सकती हैं और इंसान की जान भी ले सकती हैं, यानी उसकी डेथ का कारण बन सकती है, मौत का कारण। जैसे आपने छात्रों सुना है कि HIV एड्स एक बीमारी आपने देखा, अभी तक इसका इलाज पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है छात्रों। अभी आपने सुना होगा पैंडेमिक एक डिजीज थी जिसका नाम था, याद रखिएगा पैंडेमिक COVID-19 बीमारी थी, कोरोना ने दुनिया में याद रखिएगा एक तरफ से सन्नाटा कर दिया पूरी तरह से। तो छात्रों हम आपसे ये कहेंगे कि अगर बड़े कारणों में देखा जाए
तो विषाणु जनित जो रोग होते हैं वो टॉप लिस्ट में आते हैं और ये लीथल हो सकते हैं। लीथल का मतलब घातक हो सकते हैं। पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इमेजेस दिख रही हैं आपको, ये सभी विषाणु हैं छात्रों। तो विषाणु क्या है छात्रों, सबसे पहले समझना है, विषधन अणु यानी मॉलिक्यूल ऑफ पॉइजन यानी विष के अणु, जहर के अणु हैं। अभी समझ लीजिएगा छात्रों, ये इतने छोटे होते हैं, ये विषाणु जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि समान माइक्रोस्कोप से आप इनको देख नहीं सकते। इनको देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी चीज़ छात्रों, ये भी जान लीजिए कि जो विषाणु होते हैं उनमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं, यानी ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। विषाणु आपको आसानी से मिल सकते हैं कहीं भी छात्रों, आपके कपड़े पे भी हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द मिट्टी में, धूल में, हवा में, किसी भी सामग्री, किसी भी पशु में, कहीं पर आप मृत शरीर पर भी ये मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन छात्रों अगर हम बात करें, इनको देख पाना आसान नहीं है। प्रोटीन के कण हैं इसलिए अणु कहा गया, मॉलिक्यूल कहा गया। लेकिन इनसे क्या है छात्रों कि कोई ना कोई व्यवधान शरीर में, कोई ना कोई कार्यविधि में रुकावट आती है छात्रों, इसीलिए हमको विष की तरह कहते हैं। विष का मतलब पॉइजन होता है छात्रों, और पॉइजन कभी भी फायदा नहीं करा करता। आप सबको पता है कि चाहे वो कोई भी पॉइजन हो छात्रों, खाने के बाद इंसान उसे मर सकता है और उसे ग्रसित हो सकता है या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ये वायरस होते हैं छात्रों, ये छोटे छोटे प्रोटीन के बारीक कण होते हैं, इनका अपना आनुवंशिक भाग होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी में डीएनए होता है, किसी में आरएनए पाया जाता है छात्रों। और ये जब सजीवों के यानी कि शरीर में प्रवेश करते हैं तब ये सजीव जैसा लक्षण प्रदर्शित करते हैं, वृद्धि करते हैं और उसके क्रियाक्रम यानी उसके तंत्र को पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं, उसकी कार्यविधियों को, और ये अपने नियंत्रण में लेकर चलाते हैं और वृद्धि सबसे पहले करते हैं। सही समय पर अगर कदम नहीं उठाया गया तो शरीर उससे हानि होगी, क्षति पहुंचेगी और इंसान की मौत भी हो सकती है। छात्रों आपने देखा है कि कोविड में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ लेकिन बच गए, और बहुत सारे कोविड में कोरोना में लोग मृत हो गई, उनके मर जाने के पीछे कारण उनका जो था वो सा कारण था कि शरीर उससे लड़ नहीं पाया क्योंकि समय से ज्यादा हो गया था, समय बीत चुका था। तो छात्रों विषाणु क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विषाणु एक सूक्ष्मदर्शी संक्रामक प्रतिनिधि है जिसे प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों सबसे पहली चीज ये जान लीजिएगा कि जो वायरस होते हैं वो यानी कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि अगर वो मिट्टी में पड़े हैं, धूल में पड़े हैं, तो पड़े ही रहेंगे, सदियों पड़े रहेंगे, उसमें कोई तरह की समस्या नहीं, वो चुपचाप पड़े क्योंकि वो निर्जीव हैं। हमने आपसे क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो वायरस पड़ा हुआ है यहाँ पे कुर्सी मेज पर कहीं भी, वो आपके शरीर में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेजबान कोशिका। मेजबान का मतलब एक लिविंग होस्ट की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग हैं, वो चिड़िया हैं, परिंदे हैं, वो पंछी हो सकते हैं, वो पशु हो सकते हैं, वो चौपाए हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी सजीव हो सकता है, यहाँ तक कि छोटा टिड्ढा भी हो सकता है छात्रों, एक कॉकरोच भी हो सकता है, एक तिलचट्टा भी हो सकता है, उसके अंदर ये जहाँ प्रवेश करेंगे, हमने आपसे बताया उसकी कोशिका के अंदर पहुँचते ही ये सबसे पहले सजीव हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य संयोजी कड़ी होते हैं, कनेक्टिंग लिंक, आपको बता दें छात्रों। और इनके लिए पूरा एक विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा है, इसको बोलते हैं वायरोलॉजी, जहाँ इनका अध्ययन किया जाता है। और इनकी खोज जो है छात्रों, आपको पता है तंबाकू के पत्ते में सबसे पहले ठीक है खोजे गए, यह टीएमवी वायरस था, टोबैको मोजैक वायरस, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इनके स्ट्रक्चर होते हैं, अपने इनके आधार पर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, इनकी रहन सहन के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं छात्रों। इसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए या लिखा हुआ छात्रों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, जो कैप्सिड नामक प्रोटीन आवरण से कवर्ड रहता है, यानी इनके जो आवरण होता है, जो खोल देख रहे हैं आप बाहर की ओर, इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, कैप्सूल से बना कैप्सिड होता है, इसी को छात्रों एग्जाम में पूछा गया। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देखिए एक तो आप सबसे ज़्यादा वाकिफ हैं, परिचित हैं, इसका नाम है कोविड वाला, ये देखिएगा कोरोना वायरस, कोरोना क्राउंस की तरह से देखने में लग रहा था ये, इसीलिए इसका नाम कोरोना पड़ गया। राइनो वायरस, ये आपके सर्दी जुकाम का वायरस है। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी सर्दी जुकाम का एक रूप है। एडिनो वायरस है छात्रों, हर्पीज जूस्टर वायरस है। यहाँ देखिए हेपेटाइटिस वायरस, इसके बाद मम्स गलसुआ का रोग है, इसको भी पढ़ेंगे। मिजल खसरा जो होता है बच्चों में, एस्ट्रो वायरस है छात्रों, उसके बाद देखिए रोटा वायरस है, डायरिया होता है बच्चों के अंदर, उसमें जान भी जा सकती है, काफ़ी खतरनाक है। स्मॉल पॉक्स को आप जानते हैं, छोटी माता के नाम से एक बीमारी हुआ करती थी, समाप्त हो गई। एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये भी काफ़ी खतरनाक होता है, जेनेटल ऑर्गन्स पर हमला करता है। एचआईवी वायरस को भी आप जान सकते हैं, जान ले सकता है आदमी की। रैबीज वायरस जो आगे आप जानते हैं, कुत्ते या कुत्ते जैसे जीवों के, जिनके नुकीले दांत होते हैं, लार बहती है, उनके अंदर पाया जाता है छात्रों। अगर इसके से भी ग्रसित हुआ कोई इंसान तो उसकी बड़ी बुरी तरह से मृत्यु हो सकती है। नोरा वायरस, ये सब कुछ छोटे से हमने एग्जाम्पल दिए। अरबों खरबों वायरस दुनिया में भरे पड़े हैं छात्रों, जो आज भी खोजे नहीं जा चुके हैं। वो कभी कोई जब बीमारी को पैदा करते हैं या किसी जीव को ग्रसित करते हैं तो वो मार्केट में यानी कि लोगों के सामने वो आ जाते हैं वैज्ञानिकों के तहत में। जैसे कोविड को शायद किसी कोई जानता रहा,
होगा, कोविड आया तो पूरी दुनिया के लोगों के नाम पर कोविड रहा। इसी तरह से छात्रों कभी रोटा वायरस, कभी कभी HIV वायरस, कभी जीका वायरस, ये डिफरेंट टाइप के वायरस आपको मिलते रहेंगे। छात्रों आगे कह रहा है आपसे, अब हम लोग यहाँ पे कुछ खास बीमारियां हैं जिसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे छात्रों इस शॉर्ट क्रैश कोर्स के अंदर। बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहली जो है यहाँ पे आप देखिए एक इंडेक्स है, इसमें हमने सबसे पहले बीमारी का नाम लिखा है, फिर वायरस का नाम हमने लिखा है, जो कारक है उसको पैदा करने वाला, और एफेक्टेड ऑर्गन। अब जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर छात्रों ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन कई बार बीमारी देकर विषाणु का नाम पूछ लेता है, कारक का नाम पूछता है, कभी कभी छात्रों कैसे फैलता है उसके बारे में भी पूछ सकता है, और कभी कभी छात्रों शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। इसके स्पेलिंग पर जाइए, गौर से करिए, तो ये FLU लिखा हुआ है नीचे, आपको नजर आ रहा होगा ये जो लिखा FLU छात्रों, जो इन्फ्लुएंजा है उसी से फ्लू को निकाल लिया गया। फ्लू कभी भी आ जाए तो कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण आपको नजर आने चाहिए। कॉमन कोल्ड का मतलब सर्दी जुकाम जैसा छात्रों, यहाँ पे फ्लू हो गया। फ्लू का मतलब आपके नाक बह रही है, छींकें आ रही है, मुंह लाल हो रहा, बुखार भी हो सकता है आपको। आगे क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका जो वायरस है विषाणु है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है छात्रों, और हमला कहाँ करता है, साहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। वेक्टर क्या है छात्रों, अक्सर आपने देखा है कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, आप सबको पता है कि सर्दी जुकाम हो या किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो, TB हो, तो क्या करना है छात्रों, हमको दूरी बना के रखनी है। क्या कारण है छात्रों, रेस्पिरेटरी का मतलब जब आप सांस लेते हैं तो ये सांस के अंदर से भी जा आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब जब छींकते हैं जो पानी निकलता है छात्रों, उसको हम लोग बोलते हैं संबंधित जो बूंदें होती हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर आप छींकते हैं तो हमें हाथ लगा लें, रुमाल लगा लें छात्रों, यही बेहतराई है कि आपके शरीर में, आपके जो घर में परिवार में जो भी संपर्क में आएंगे वो उससे भी ग्रसित होंगे, क्योंकि आपने देखा कि सर्दी जुकाम आपके परिवार में अगर किसी को हो जाए तो बड़ी तेजी के साथ दूसरों को भी फैलता है। इसमें लक्षण क्या है छात्रों, बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे बुखार, खांसी, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द वगैरह आपको हो सकती है। इसका वायरस का आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक कवच है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, एक खास प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं विरियन। नेक्स्ट अगली बीमारी छात्रों HIV/AIDS। देखिए HIV अलग है छात्रों, एड्स अलग है। इंसान कहता है कि हम बंदूक से मरते हैं या गोली से, छात्रों दोनों बात देखिए अलग अलग है। इंसान मरता जरूर बंदूक से, लेकिन बिना गोली के नहीं मर सकता। बंदूक से कोई इंसान बहुत ज़्यादा करेगा तो उसको मारेगा, वो चोटिल हो जाएगा, खोपड़ी फूट सकती है उसकी, लेकिन जब तक बुलेट नहीं रखी जाएगी, क्योंकि शिकार इंसान बंदूक से नहीं बल्कि गोली से करता है, लेकिन गोली जो है बंदूक के बिना नहीं चलती, फेंक के मारेंगे कोई कुछ नहीं, भाग गए कुछ भी नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत खराश आ जाएगी। लेकिन छात्रों ऐसा समझिए कि एक तरफ वायरस और एक तरफ बीमारी है, यानी वायरस का नाम है HIV है और बीमारी का नाम है एड्स। छात्रों जो एड्स बीमारी होती है वो HIV की वजह से होती है। रैबीज एक याद रखिएगा, बीमारी का नाम नहीं बल्कि वायरस का नाम है। हाइड्रोफोबिया उससे पैदा होने वाला रोग का नाम है। तो छात्रों यहाँ ध्यान देना है, जब भी आप पढ़िए थोड़ा गहन अध्ययन करिए ताकि भविष्य में काम आए। तो HIV हो जाने से ये एड्स नहीं हो जाता। एड्स होने में समय लगता है, 10 से 13 साल लगते हैं, लेकिन इन्फेक्शन जो होता है, संक्रमण होता है, वो HIV की वजह से। तो HIV जो नाम है छात्रों, उसका पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि H माने ह्यूमन होता है, I मतलब होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी इम्यूनिटी, आपकी जो है ये जो वायरस है वो क्या कर रहा है आपकी इम्यूनिटी को, डिफिशियंसी का मतलब कमी ला रहा है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता के अंदर कमी ला रहा है, उस वायरस का नाम है छात्रों HIV वायरस। यानी साफ साफ से साफ आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि जो HIV वायरस है वो क्या काम कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, उस तंत्र को कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है छात्रों, जो पूरी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, उसको कम करने वाले वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, पूरा नाम पूछा गया एग्जाम में छात्रों। ये हमला करता है हमारे सुरक्षा तंत्र को, बिगाड़ देगा, तो आपको पता है कि वो तंत्र जो रक्षा कर रहा है बीमारियों के समूह से छात्रों, वो हमारा विफल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, फिर शरीर में एक एक कर आपको बीमारियां होती चली जाएंगी। इसीलिए एड्स कहा गया है उसको, यानी एड्स का मतलब होता है छात्रों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो सिंड्रोम शब्द होता है छात्रों वो एक के लिए नहीं यूज होता है, बहुवचन है, प्लूरल है, यानी जब बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आ जाएं, बहुत सारे आपको जो है लक्षण दिखाई देने लगें, तो इसे हम बोलते हैं सिंड्रोम, ह्यूमन एक्वायर्ड। यहाँ पे जो बीमारी है छात्रों वो उसका नाम है एड्स है, यानी HIV के इन्फेक्शन होने पर अगर आप नहीं दवाई इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आगे चलकर एड्स हो जाएगा छात्रों, उसमें होने में लगभग 10 से 13 साल लग जाते हैं। तो ये हमला कहाँ करता है छात्रों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है। यौन संपर्क, ये फैलता कैसे आप सबको पता है छात्रों, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, वो भी
मल्टीपल जो जो सेक्स वर्कर होते हैं, मल्टीपल जो पार्टनर बनाते हैं छात्रों, उनमें भी कई तरह के लोग होते हैं। नॉर्मल एक हेल्दी इंसान जो रिलेशन में रह रहा, हस्बैंड वाइफ है, साफ सुथरी जिंदगी कर रहे, तो जरूरी नहीं कि उनको ये सब बीमारी हो जाए। तो यहाँ पे जो है अननेचुरल जो भी सेक्स वगैरह हो रहे हैं आज के टाइम में छात्रों, और जैसे कि वो भी होमोसेक्सुअलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी को फैलाने में छात्रों जो है अपना रोल निभाती है। तो यौन संपर्क, रक्त का आदान प्रदान सबसे खतरनाक तरीका है छात्रों, कि अगर हम सुई नीडिल का भी इस्तेमाल करें तो भी, या हम यहाँ पे टैटू वगैरह गुदना गुदवाते हैं उससे भी बीमारी। सुई का साझा करना इसलिए लिखा रहता है फॉर सिंगल यूज ओनली, जो सीरिंज होती है छात्रों वो एक बार इस्तेमाल करके हटा दें। सीरिंज का आदान प्रदान करना, रक्त का आदान प्रदान करना छात्रों माँ से बच्चों में भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यौन संपर्क से ही बीमारी छात्रों फैलती हो। आगे छात्रों आपको पता है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, शरीर दुर्बल होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा, तंत्र में जब कमजोरी आएगी तो नंबर ऑफ डिजीज़, बहुत सारे शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे जिससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। सारे लक्षण हैं जो आने लगेंगे, कमजोरी, माउथ में आपके और जेनिटल ऑर्गन में इन्फेक्शन वगैरह सारे फैल जाएंगे। इससे ये बात साबित होती है कि एड्स क्या है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसे हम लोग कहते हैं छात्रों कि शरीर की खुद ब खुद क्या है कि इम्यूनिटी गिरती चली जाती है और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम छात्रों। ये बीमारी जो है कुल मिला के चैंपेंजी की थी, जो कि अफ्रीका से होते हुए अमेरिका से होते हुए पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी आज आपको मिल जाएगी। लाखों लोग इससे जो अपनी जान गंवा रहे हैं, ज्यादातर छात्रों इसके अंदर छोटे बच्चे होते हैं। एड्स का निदान में यही है कि छात्रों आपने पढ़ा भी होगा कि जानकारी ही बचाव है, इसमें बचना यही है छात्रों। बाकी आगे रेट्रोथेरेपी वगैरह दिया जाता है, ART वगैरह। 1 दिसंबर को विश्व HIV एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तमाम जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं छात्रों इसके लिए। अगली बीमारी है जो आप समझ रहे होंगे COVID-19 में फैला था 2019 में छात्रों, लास्ट या बिल्कुल दिसंबर का समय चल रहा था, वुहान लैब के अंदर यानी चाइना के अंदर, आप सुने होंगे सबसे पहले वहां मामला आता चला गया, उसके बाद चाइना से पूरी दुनिया के अंदर कोई शायद ही ऐसे मुल्क बचे हों, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जहां पर बीमारी ने अपना कब्जा ना किया हो छात्रों। लाखों के लाख और करीब 2 साल इससे पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर लोग इससे परेशान रहे हैं। ये COVID-19 था, निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं छात्रों इसके अंदर, निमोनिया जैसे, जैसे निमोनिया होता है सांस फूलना, ब्रिथलेसनेस छात्रों, फेफड़ों में सूजन आ जाना, बिल्कुल उसी तरह लक्षण होते हैं, लेकिन एक जानलेवा है छात्रों। तो आपको पता है कि कोविड नाम जो है वो कोरोना विरिडी नाम से पड़ा था, कोविड जो है वायरस, सार्स जैसे लक्षण होते हैं, इसमें बता रहा है कि ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, ये सार्स जैसा कॉम्प्लिकेशंस आता है, एक बीमारी है छात्रों उसके तरह से कह रहा है कि मतलब कुल मिला के हमारे श्वसन तंत्र पर, श्वसन प्रणाली को ये प्रभावित करता है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सुना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करा होगा, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग लोग बोलते हैं लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, श्वसन संबंधी बूंदे, दूषित सतहों के संपर्क में आना, मास्क लगाना जरूरी, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, इससे बचने का एक अच्छा तरीका था छात्रों। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद और गंध का पता ना लगना। अगर आप छात्रों जज करेंगे, जो भी छात्र छात्र हैं, ये लक्षण तो आया ही होगा लगभग आपको, आप सबको लगा होगा, आपका स्वाद चला गया होगा जब कोविड फैल रहा था, मार्च अप्रैल मई के महीने हो रहा था, तो आपको लगा होगा कि आपको सांस में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि इसने पूरे घर घर में प्रभावित किया। लेकिन किसी किसी के साथ में छात्रों ये व्यवधान बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियरिटी, जिससे उन्होंने बेचारों ने अपने प्राण को त्याग दिया। सही समय पर अगर मैनेजमेंट मिल जाता तो शायद उनकी जो है जान बच जाती छात्रों। इसीलिए कहा नीम हकीम खतरे जान, अपने आप को ध्यान रखिए, जब भी कोई तरह की समस्या हो तो आप ऑथेंटिक डॉक्टर से, ऑथेंटिक सोर्सों से संपर्क करें और जाके वहाँ पर जो है बात करें। हॉस्पिटलिटी में जाएं, नहीं जाते प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, हर तरह की चीज़ों के पीछे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शरीर पर नहीं करते छात्रों, इधर उधर से दवा खा लेते हैं, जब समय बीत जाता है तब मामला बढ़ता चला जाता है छात्रों। इसीलिए हम आपसे कहेंगे समय रहते अगर कोई भी तरह का आपको लक्षण आ रहा, सरकार आपको एडवाइजरी जारी कर रही है मेडिकल की तरफ से, तो आप तुरंत उस पर सचेत हो जाइए और ध्यान रखिए छात्रों, है ना। चैलेंज मत करिए, नेचर को चैलेंज नहीं करना, क्योंकि आपका शरीर इतना भी नहीं, क्षणिक है छात्रों, ये कुछ भी नहीं, आप समझ लीजिए। प्रकृति के आगे कोई नहीं रुक सकता, चाहे हवा, पानी, आग, आपने देखा इनसे कोई काबू नहीं पा सकता। जंगलों में आग लगेगी कभी छात्रों उस पर रोक नहीं पाते लोग, हेलीकॉप्टर से पानी डाला जा रहा, कुदरत है जो उस पर काबू पा सकती, बारिश होगी तभी वो रुक जाएगी छात्रों। आपको पता है कि फ्लड आता है, बादल फट जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता, लैंडस्लाइड होता है, कोई नहीं, भूकंप आया, करोड़ों लोग मर के खत्म हो जाते हैं, जादू बीमारी आई पूरी दुनिया में फैल गई, इसलिए हम प्रगति से नहीं लड़ सकते। आप चैलेंज मत करिए, अपना ख्याल रखिए, बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था छात्रों कोविड था, जो कि हमने आपसे बताया कि 2019 यानी भारत के अंदर 2020 में ये कदम पांव पसारता है, सबसे पहले केरल के अंदर मामला आता है,
दिसंबर के जनवरी के अंदर, उसके बाद बीमारी पूरे भारत में फैलती है। पहला राउंड जो था छात्र उसमें कम नुकसान होता है, लेकिन जो दूसरा वाला था 2021 वाला था वो काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर चिंता का विषय बन चुका था। काफ़ी लोगों ने अपनी जान अपने लोगों को गंवाया छात्रों इसके अंदर। तो अपना ख्याल रखें सभी लोग, ठीक है। इसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह हुआ था, आपने पता कोविशील्ड से वैक्सीन वगैरह जो है लगाया गया, स्पुतनिक वैक्सीन आई, बहुत सारी कंपनियों ने वैक्सीन बनाई और लोगों ने भी सबने मिलकर जो है अपना वैक्सीनेशन कराया, टीकाकरण कराया। उसी का एक यही इलाज है, बाकी छात्रों दो गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, यही प्रिकॉशन उसके अंदर लिया गया। अगला रोग है छात्रों खसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीमारी है ये, इसलिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खसरा नाम से आप वाकिफ होंगे, आप गांव देहात के अगर से रहते रहे होंगे या रह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। खसरा संख्या एक गांव में किताब के नाम होता है खसरा, हमेशा बताते हैं हम आपसे कि खसरे में कंफ्यूज मत होइएगा। खसरा खतौनी होता है जिसमें प्लाट का भूमि संख्या चढ़ी होती है, ठीक है, आपकी ज़मीन है वो पता चलता है। खसरा यहाँ पर रोग का नाम है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, बड़े से लेकर बच्चों में को भी हो सकती है, लेकिन मेनली जो हमला है इसका वो बच्चों में है छात्रों। जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकता है, डेथ हो सकती है इसके अंदर अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले। इसके लिए छात्रों एक ही उपचार है, वो है वैक्सीनेशन। बचपन में आपको टीका लगा होगा छात्रों 9वें महीने 16वें महीने पे, ठीक है, MMR नाम का, ठीक है, MMR का टीका लगता है ताकि ये खतरनाक इसका जो रूप है वो ना लेने पाए, अगर हो भी जाए तो इंसान की जान ना जाने पाए, यानी बच जाए। तो छात्रों प्रोफाइलेक्सिस है, यानी रोग से पहले रोग का निदान, वैक्सीनेशन टीकाकरण करेंगे। खसरा इसलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछता है कि भाई ये वायरल डिजीज़ है बैक्टीरियल, तो आपको बताना है कि भाई ये वायरल डिजीज़ है। खसरे का जो वायरस है इसको हम लोग छात्रों रोबेला वायरस बोलते हैं, रोबियोला वायरस है जो कि बड़ा फेमस है। रोबियोला, एक रोबेला है छात्रों और एक रोबियोला, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, इसका जो वायरस है छात्रों, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रोबियोला वायरस। रोबियोला एक है, रोबेला जो है वो जर्मन रोबेला है, उसका भी टीका हम लोगों को लगता है, कंफ्यूज मत होइएगा, RUBE है, एक में रोबियोला है एक रोबेला है। श्वसन प्रणाली और त्वचा पर हमला करता है, रैशेस पड़ जाते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे छात्रों देख रहे हैं अच्छी तरीके से, पूरे बदन पर तेज बुखार, आंखों में लालरी, ये सारे लक्षण होते हैं। फैलता कैसे, नेजल ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट जो कि आपके नाक से मुंह से पानी निकलता है उससे बीमारी फैलती है, और किन किन चीज़ों पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है छात्रों हेपेटाइटिस, आप लोगों ने टीका लगवाया होगा, नहीं लगवाया तो बचपन में टीका माताजी या पिताजी लगवा चुके हैं, सबको टीका लगता है, अनिवार्य होता है ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है छात्रों, एक लीवर में शोथ आ जाना, लीवर में स्वेलिंग आ जाना, यकृत में सूजन आ जाना, और हेपेटाइटिस के भी कई सारे रूप हैं, ABCDE करके आप पढ़ेंगे, बहुत सारे रूप हैं इसके, लेकिन आप बस इतना ध्यान दीजिए कि हेपेटाइटिस जो रोग है वो लीवर से संबंधित है और ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि कई कई प्रकार की होती है, ABCDE, जिसमें ए और बी और सी में हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत ज़्यादा घातक होता है, इसमें इंसान की जान जा सकती है, इंसान मर भी सकता है। आसानी से फैलने वाला हेपेटाइटिस बी है, दुनिया का सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जुकाम से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, संक्रमित रोग है। हेपेटाइटिस सी जो है वो ज़्यादातर संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से बीमारी फैलती है, बिल्कुल HIV के तरीके से, इसलिए क्योंकि रक्त के आदान प्रदान में ज़्यादातर हमला करता है। हेपेटाइटिस ए भी जो है छात्रों फैलता है, दूषित जल वगैरह से फैल सकता है, इसमें दूषित भोजन, पानी, रक्त, शरीर के तरल पदार्थ, इनसे पीलिया, थकान, पीलिया तो होगा ही छात्र, उसमें पीलिया इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है लीवर पर, यकृत पर जब जब प्रभाव पड़ेगा तो तुरंत आपको शरीर में ज्वाइंटिस होना ही होना है। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है छात्रों जो हो सकती है, कॉमन है ये भी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये वायरल डिजीज़ है, उसका इलाज यही है कि आप टीकाकरण करें और सही समय पर उपचार कराएं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ज्वाइंटिस हुआ है तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी जाँच करा दें। 28 जुलाई को याद रखिएगा, हर साल हम लोग मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं जागरूकता के लिए। अगली बीमारी है छात्रों इबोला, इबोला वायरस से होता है। इबोला क्या है, एक नदी का नाम है अफ्रीका के अंदर बहती है, इबोला नाम का एक याद रखे वायरस है जो कि क्या करता है हमारे शरीर के अंदर खास तौर से प्लेटलेट्स कोशिकाओं पर हमला करता है। प्लेटलेट्स का मतलब छात्रों वही जो कि डेंगू में प्रभावित होती हैं, रुधिर का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होती हैं छात्रों। संक्रमित शरीर तरल पदार्थ, बड़ी तेजी से बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसानों में फैलती है छात्रों। इबोला एक अफ्रीकन बीमारी, अफ्रीका का डिजीज़ है जो कि भारत में भी और कई सारे देशों के अंदर पहुँच गई थी। बुखार, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और सख्त सुराव। ये जो लास्ट वाला है छात्रों ब्लीडिंग, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल उसी तरीके से इंसान रहते 4 से 6 दिन के अंदर मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। कारण क्या है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि इसलिए ब्लीडिंग होगी क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बड़ी तेज़ी के साथ कम करता है। तो इबोला खास तौर से जो है फ्रूट बाइट्स,
फल को खाने वाली चमगादड़ और सूकर यानी पिग वगैरह के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इनको फैलाने वाले जो है वो वही है। और इबोला एक आपको बता दिया कि नदी का नाम है जो कि कांगो देश के अंदर बहती, जो कि अफ्रीका का देश है। अगला बीमारी है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार से छात्रों आप लोग सभी वाकिफ होंगे। डेंगू के असल में दो रूप हैं, एक पुराना वाला है जिसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, लंगड़ा बुखार, जो आमतौर पर अगर हुआ भी होगा तो आप सही होंगे, बचे होंगे। लेकिन डेंगू का एक ऐसा रूप है जो घातक है, इसे डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं छात्रों, DHF बोलते हैं। ये बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, इसमें बच पाना इंसान का जो है मुश्किल हो पाता है, खास तौर से 12 साल से कम के बच्चों के ऊपर। अगर ये DHF अगर होता है तो इंसान अपनी जान गंवा बैठेगा छात्रों, आपको पता है। बड़ी तेजी के साथ ये प्लेटलेट्स पर हमला करता है। इसके जो वायरस का नाम है वो डेंगी बोलते हैं उसको छात्रों, ये डेंगी वायरस होता है। यहाँ पे ये हमला करता है आपके शरीर पर, कई सारे अंगों को प्रभावित करता है, बेसिकली प्लेटलेट्स को बड़ी तेजी से काउंट गिराता है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान फिर नाक मुंह से ब्लीडिंग होने लगेगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। मल्टीपल ऑर्गन का मतलब शरीर के बड़े बड़े ऑर्गन, लीवर, किडनी, स्प्लीन सब डैमेज हो जाते हैं इसके अंदर। बस एक खास बात याद रखिएगा कि ये मच्छर जनित रोग है, और वो मच्छर ऐसा भी है जो दुनिया की चार बड़ी बीमारियों को फैलाने में अपना योगदान देता है। मच्छर का नाम एडीज एजिप्टी है, बस इतना याद रखिएगा कि वो भी फीमेल। कारण क्या है छात्रों, सिर्फ फीमेल मच्छर ही काट सकती हैं आपको, मेल मॉस्किटो आपको नहीं काटते हैं। मेल मॉस्किटो जो है, बाकी हमने आपसे बताया, फूल पत्ती का रस वगैरह सक करके जो है अपना काम चलाते हैं। और कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है आपकी मच्छर से, जो मच्छरीन आपको काट रही है छात्रों ये आप भी बता दें, उसका मकसद जो है, उसका कारण है कि वो ब्लड से प्रोटीन निकालती है और उस प्रोटीन से वो अंडे देती है, जिससे कि आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा सके। आपने ये भी पता है उस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी। ये चितकबरा कलर का मच्छर है, रंग बिरंगा और काफ़ी फुर्तीला होता है, और अक्सर सुबह के समय में ये काटता है या काटती है, और 2.5 से 3 घंटे के अंदर, अगर देखिए मच्छर तो आपको कभी भी काट सकता है। हमने आपसे क्या कहा कि बंदूक से कोई नहीं मरता, गोली से मरता है। अब ये मच्छर आपको काटता है या काटती है तो आप इससे प्रभावित नहीं होंगे, आपका ब्लड लिया हो चला गया। लेकिन छात्रों जो उसके अंदर वायरस अगर होगा तभी आपको डेंगू होगा, ऐसा नहीं है। मलेरिया का मच्छर आपको काट रहा है या काट रही है तो छात्रों मच्छर तो ब्लड ले लेगा, लेकिन आपको मलेरिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि मलेरिया को पैदा करने वाला कारक यानी बंदूक तो चली है लेकिन बिना गोली के तो कोई इंसान घायल नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि मलेरिया का मच्छर हो, चाहे इसका हो, चाहे फाइलेरिया का हो, कोई भी हो छात्रों, अगर उसने अंदर वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, कोई प्रोटोजोआ नहीं, तो आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। तो सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते, सभी मच्छर डेंगू नहीं फैलाते, यह ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है, जब डेंगू वायरस मार्केट में होगा, ये आपकी इर्द गिर्द होगा, कूड़े गंदगी में पल रहा होगा छात्रों, तभी जो है ये एडीज एजिप्टी के अंदर जाएगा, और एडीज एजिप्टी जब किसी को काटेगी तो उसके शरीर में वो कीड़ा वायरस पहुंचेगा, और वायरस क्या है वो कारक बनेगा, और जिससे कि आपकी प्लेटलेट्स वगैरह बड़ी तेजी से कम होंगी, इसमें हाई फीवर आएगा, सीवियर बॉडी पेन होगा छात्रों, ज्वाइंट पेन होता ही होता है। और साथ में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया कि डेंगू के अंदर प्रभावित होने वाला अंग क्या है, हमारा जो है वो छात्रों अंग नहीं बल्कि आपसे पूछेगा भाग क्या है, तो वो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट चढ़ाई भी जाती है। इसका कोई खास इलाज नहीं, मैनेजमेंट जरूरी है, रेस्ट करें, है ना, लिक्विड डाइट वगैरह लेते हैं, नारियल पानी है, बकरी का दूध वगैरह है, आपने देखा होगा, तमाम तरीके पत्ते का, पपीते के पत्ते का रस वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन वो भी आप नहीं करिएगा बिना डॉक्टर के समझे बूझे। तो ये सारी जो लक्षण है वो छात्रों डेंगू के, डेंगू का जो मैंने आपसे बताया दो रूप हैं, एक ब्रेक बोन फीवर है जिसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, वो भी इससे होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा घातक नहीं है। छोटे बच्चों में अगर ये हो जाए या किसी इंसान को हो जाए DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो उसकी जान जा सकती है। अगला जो रोग है छात्रों उसका नाम है जीका वायरस संक्रमण। जीका एक था आपको इबोला, यहाँ पे है छात्रों जीका। जीका ध्यान दीजिएगा, जीका भी अफ्रीका का एक बीमारी है, ये अफ्रीका के। कारण क्या है, हमने आपसे बताया ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो अफ्रीका में पैदा होती हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, अंध महाद्वीप भी उसे कहा जाता है। कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं, आपने पढ़ा जियोग्राफी में, उसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है यानी उसकी जो भौगोलिक स्थिति है छात्रों, वो एक ऐसा जो है महाद्वीप है जिसमें से लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन और लाइन ऑफ आपको पता है कि उसके अंदर कैंसर यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवती रेखा तीनों गुजरती हैं, उसके ऊपर बीचों बीच से जो रेखा गुजरती दो भागों में बांटती है वो याद रखे, उसको विषुवती रेखा कहते हैं, जहां पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, घनघोर संवनी वर्षा होती है, दलदल होती है, नमी होती है, दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो कि सबसे फेवरेट इलाका है छात्रों वायरस और बैक्टीरिया बीमारियों कीड़े मकोड़ों का घर है। इसलिए अफ्रीका के ज़्यादातर जो देश हैं वो खतरनाक खतरनाक बीमारियां वहाँ पे पैदा होती हैं। तो जीका भी याद रखिए, अफ्रीका के एक युगांडा देश है वहाँ ये बीमारी पैदा हुई, जंगल का नाम है जीका
वहाँ से ये बीमारी बंदर में गई, बंदर से होते हुए मच्छर से होते हुए छात्र इसको भी फैलाने वाला वही मच्छर है जिसका नाम है फीमेल मॉस्किटो एडीज एजप्टी, जो डेंगू को फैलाता है मच्छर, वही मच्छर छात्रों जीका को भी फैलाता है। इसने बंदर को काटा और बंदर से फिर बीमारी। छात्रों सबसे बड़ी बात बस ध्यान दीजिएगा कि ये बीमारी जो है गर्भवती महिला के ऊपर प्रभाव डालेगी, और गर्भवती महिला के अंदर क्यों, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसके मस्तिष्क को छोटा कर देता है ये वायरस, यानी उसको विकार पैदा कर देगा परमानेंटली, और वो डिफॉर्मेलिटी के साथ पैदा होगा, यानी कि छात्रों वो उसको मेंटल जो है डिस्टर्बेंस यानी छोटा दिमाग होगा, माइक्रोसिफेली बोलते हैं इसको, और वो छात्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फेटल डेवलपमेंट को रोकता है यानी मस्तिष्क को छोटा करेगा। ये वायरस काटेगा जरूर सबको, लेकिन हमला जो होगा इसका वो गर्भवती फीमेल पर और पल रहे गर्भ शिशु के अंदर। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से मच्छर की वजह से भी बीमारी फैलती, मेनली इसका मच्छर है। उसके बाद छात्रों आप देख सकते हैं कि जो रोग होगा वो प्रेगनेंसी के अंदर ही बच्चे के अंदर प्रभाव होगा, माइक्रोसेफेली कहते हैं। बाकी बहुत सारे लक्षण आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगली बीमारी है छात्रों रैबीज। रैबीज को आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। हाइड्रोफोबिया का नाम आपने सुना होगा। हाइड्रोफोबिया जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जल से भय। जल से भय का मतलब होता है आपको पता है कि फियर फ्रॉम वाटर। और छात्रों आप ये भी जानते हैं कि जल क्या है, जल ही जीवन है। हर एक जीव के लिए जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा जीव है, जैसे इसको हम लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट के बारे में आपने सुना होगा कि जो ना के बराबर कभी जीवन में पानी पीता है वो, ठीक है। बाकी आपको सुना होगा ज़्यादातर जीव हैं वो पानी को चाहे अपने अंदर बटोर के रखें और जब पानी की आवश्यकता उनको ज़रूर होती है किसी न किसी रूप में। तो छात्रों आप सोचिए कि एक ऐसा रोग है, एक ऐसी मानसिक दशा हो जाएगी इंसान की या जानवर की जब उसको रैबीज नाम का वायरस हमला करेगा, उसके तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है छात्रों, ठीक है। ये लार में रहता है उन जीवों के अंदर जो कैनाइन एनिमल्स होते हैं जिनके रदनक दांत जो है भारी भरकम होते हैं। कुत्ता हो चाहे शेर हो, भेड़िया है, लगड़भग्गा है, हाइना है, याद रखे बंदर है, बिल्ली है, और छात्रों यहाँ तक छछूंदर के अंदर भी ये वायरस आपको मिल जाएगा, चमगादड़ के अंदर भी मिलेगा। ये रैबीज वायरस जो होता है छात्रों जब आपके शरीर के संपर्क में रुधिर में जाता है तो हमारे तंत्रिका तंत्र पे विफलता पैदा करता है, ठीक है छात्रों। तो हाइड्रोफोबिया नाम की कंडीशन पैदा होती है जब इंसान बुरी तरह से पागल हो जाता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो इंसान हो, जो भी इससे प्रभावित होगा उसको पानी से खास तौर से भय होगा, गले में उसके अंदर गड़न पैदा होगी और कंस्ट्रक्शन इन थ्रोट होगा छात्रों, संक्रमित जानवरों के काटने या खरोचने से। खरोचना शब्द ध्यान दीजिए, स्क्रैच भी कर दे, यानी कहने का मतलब आपने कुत्ता ने अगर पंजा भी मारा है तो इसका एक ही इलाज है छात्रों, जाके जिला अस्पताल के अंदर आप तुरंत तत्काल जाएं, उसको घाव को पूरी चीज से किसी भी हल्दी चूने नमक ये सब चीज़ों पे प्रयोग ना करें, वो जो कटा खुटा घाव है उसको लेकर आप सीधा पानी से धुलें, और धुलने के बाद अगर बहुत कुछ लगे कि मक्खियाँ बैठ रही तो जालीदार जो है पट्टी से उसको हल्का सा बांध के बस सिर्फ पट्टी से, और सीधा हॉस्पिटल पहुँचें। हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ पर आपको वो हल्का फुल्का जो भी है बता देंगे ट्रीटमेंट, और आपको तुरंत आपको क्या है ARV का ट्रीटमेंट यानी एंटी रैबीज वैक्सीनेशन का कोर्स आपको दे देंगे। वो कोर्स कंप्लीट करिएगा, कुत्ता अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा तो सोचने वाली बात है, नहीं तो आपको कोर्स कंप्लीट कराना ज़रूरी है छात्रों। तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड पैरालिसिस, इंसान इसमें बच नहीं पाया आज तक भी, इंसान की मृत्यु हो जाती छात्रों। बैट, फॉक्स, कैट, स्कंक, कोई भी ऐसा नुकीले दांत वाला जो जीव होगा छात्रों उससे वो आप ग्रसित हो सके। अगला जो रोग है छात्रों पोलियो। पोलियो के बारे में ये है छात्रों, जैसा आपने पढ़ा भी होगा तैयारी के समय कि 27 मार्च लगभग 2014 के अंदर ये WHO ने कहा कि पोलियो मुक्त हो चुका है हमारा भारत देश। कई सारे देशों ने कहा कि भाई हम इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो को। पोलियो एक ऐसा विकार है जो जन्मजात होता है जिसके अंदर हाथ या पैर दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है, अपंगता जिसे हम कह सकते हैं, डिसेबिलिटी आ जाती है परमानेंट। तो छात्रों ये पानी से होता है, ये इसका जो मेन कारण है वो पानी है, दूषित जल में। पोलियो वायरस के दो रूप हैं, पोलियो वायरस H1N2, ठीक है, इसके कई सारे ट्रेंड होते हैं। पोलियो वायरस से बीमारी पैदा होती है, तंत्रिका तंत्र पर बेसिकली हमला करती है और हमारे मसल्स के अंदर टोन को कम कर देती है, ताकत को कम करती है। पैर हाथ आपकी हड्डियां तो सही रहेंगी लेकिन दुर्बल आपके हाथ पांव होंगे। मल मौखिक संचरण श्वसन बूंदे ये इसका फैलने का कारण है। फेकल ओरल रूट यानी कॉन्टामिनेशन, गंदगी से छात्रों, गांव देहात के अंदर पानी अगर दूषित है, बच्चे के चला जाता है छात्रों, तो ये बीमारी वायरस जो है पहुंचकर गंभीर रोग, बुखार, सिरदर्द, जकड़, पक्षाघात, गंभीर मामले छात्रों ये पैदा करते हैं। तो आप सब जानते हैं इसका इलाज क्या है छात्रों पोलियो का। आपने सुना होगा कि एक भी बच्चा छूटा, जीवन चक्र टूटा, पोलियो की खुराक दी जाती है जिसे ओरल पोलियो वैक्सीनेशन बोलते हैं, OPV, और एक छात्र होता है IPV, जैसे इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो 5 साल तक कम से कम पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, ये बहुत ज़रूरी और
एसेंशियल डोज होती है कि पोलियो से बचाने के लिए। भारत में कहा गया कि लगभग पोलियो से हम छुट्टी पा चुके हैं। अगला है छात्रों गलसुआ रोग, अगला विषाणु जनित रोग है गलसुआ। गल का मतलब गला और सुआ का मतलब होता है सूजन। बचपन में टॉन्सिल की आपको प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, बचपन में आइसक्रीम वगैरह खा लिया, बर्फ वगैरह खा लिया, तो पैरोटिड यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों एक ग्लैंड होती है, ये लार ग्रंथियों में शामिल होती है, तीन ग्रंथियां हैं पैरोटिड में याद रखिएगा, उसमें से एक ग्लैंड आती है, दो जोड़ी एक जोड़ी होती है, ये छात्रों कह सकते हैं यहाँ से थूक आता है, ये ग्रंथियों में हमला करता है पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है। इसका जो वायरस होता है उसको पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं, पैरामिक्सो वायरस है और ज्यादातर ये बच्चों पर हमला करता है। गलसुआ रोग सलाइवरी ग्लैंड और अदर ऑर्गन्स में भी ये हमला कर सकता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड सलाइवा, लार से भी बीमारी फैल जाएगी। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो नाक से पानी निकलेगा उससे भी वायरस। सोलोइड सलाइवरी ग्लैंड, अब छात्रों क्या होगा, सूजन आ जाएगी, आप न बोल पाओगे सही से, न खाना या निगल नहीं पाओगे, ये सारे लक्षण इसमें यहाँ पे पैदा होते हैं। अगली बीमारी छात्रों आपको वाकिफ है इससे, वैरिसेला चिकन पॉक्स चेचक, ठीक है छात्रों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम लोग छात्रों चिकन पॉक्स को हम लोग चेचक बोलते हैं, बल्कि छोटी माता जो आपने नाम सुना होगा छोटी माता रोग वो है स्मॉल पॉक्स, और चिकन पॉक्स को हम लोग चेचक कहते हैं। एक बीमारी जो पहले हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग बोलते थे छोटी माता, वो अब खत्म हो चुकी है, ध्यान रखिएगा अब वो बीमारी नहीं होती है। ये जो लिखा हुआ चिकन पॉक्स वेरिसेला नाम के विषाणु द्वारा या वेरिसेला जूस्टर वायरस है होता है इसका पूरा नाम, ये बीमारी हमला करती छात्रों, आप में से कई लोगों को हो चुका होगा। ये हमला कहाँ करता है, स्पेशली त्वचा पर छात्रों, त्वचा पर आपको क्या होंगे बड़े बड़े चकत्ते पड़ते हैं, पानी भरा हुआ उसमें से छाले पड़े होंगे, तेज बुखार आएगा, कम से कम 14 से 21 दिन आपके परेशान होंगे आप, ठीक है। उसके बाद वो पपड़ियाँ सूखेंगी दाने, फिर उस तेज बुखार से आप राहत पाएंगे छात्रों। ये जीवन में दोबारा भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक बार या किसी को एक बार हुआ दो बार, और जरूरी नहीं कि आपको हो ही जाए, लेकिन लाइफ में मोस्टली लोगों को ये बीमारी होती है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई वेरिसेला इसके बचने का इलाज है वैक्सीनेशन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उपचार इसका यही है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई आप सेपरेट रहें, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्टाजियस है, एक तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है, तो आप अपने आप को अलग करें, आइसोलेट करें, नीम की पत्ती का पानी, मार्गो साबुन, जो भी कोई आपको मिल जाए, इन सब का इस्तेमाल करके इंसान इससे बचने की कोशिश करता है। ये बीमारी हमने आपसे बताया ठीक हो जाती है और आपके चकत्ते जो पड़ते हैं वो साल दो साल में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो बीमारी हमने आपसे बताया था वो स्मॉल पॉक्स जो है वो 1980 के बाद से पूरे विश्व में से समाप्त मान ली गई है, अब उसका कोई भी मामला नहीं आता, जिसे हम छोटी माता कहते थे, उसमें छोटे छोटे चकत्ते पड़ते थे ज़्यादातर चेहरे पर और हाथ पाँव पर, पीठ पेट पर कम, ठीक है, वो भी जानलेवा होता था, 12 साल से कम के बच्चे उसमें मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे छात्रों। अगली बीमारी है, अगला जो है आपके सामने हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, HSV छात्रों, SSV इसको बोलते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल और जेनाइटल, ये जनन अंगों पर और माउथ के किनारे, माउथ में अल्सर जैसा और जनन अंगों पर ये हमला करता है, बड़ा ही देखा जाए तो STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कह सकते हैं, यौन संपर्क से यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सोर, अगर आपका जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो टच हो जाए, ठीक है, उसमें ये वायरस होते हैं इसके अंदर काफ़ी खतरनाक, HSV जिसको बोलते हैं, ओरल आर जेनाइटल माउथ से, ये एक तरह की बड़ी गंदी बीमारी है, यौन संचारित रोग में इसको हम लोग रखते हैं। पेनफुल ब्लिस्टर आर सोर्स इचिंग टिंगलिंग, यहाँ पर दर्दनाक छाले या घाव खुजली चुनझुनी यहाँ पे जो शुरुआत होगी, ये जनन अंगों पर सबसे ज़्यादा हमला करता है और माउथ पर ओरल कैविटी के ऊपर। नेक्स्ट अगला है छात्रों रोटा वायरस, इससे आप वाकिफ हैं, अब तो ये शायद माना जाता है कि अब जल्दी से शहर वहर में ये हमला नहीं करता है, ये बच्चों पर हमला करता था, डायरिया और बच्चों की मौत का कारण भी ये भी बनता था, जानलेवा रोटा यानी डायरिया रोटा वायरस एक हमला करेगा या पाचन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है छात्रों, इसका भी वैक्सीन लगता था और आज भी देते हैं, अब बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, बहुत सारे नहीं देते। फेकल ओरल रूट ट्रांसमिशन, फेकल ओरल का मतलब पॉटी, गंदगी, मल का मुंह तक चला जाना, अब छात्र आप सोचेंगे कि मल का मुंह में कैसे चला जाएगा, अब आप समझ रहे हैं छात्रों जो मना किया जा रहा है कि खेतों में जाके शौच ना करें छात्रों, वहाँ पर कारण यही है छात्रों कि उसी खेत में आपके शलजम, चुकंदर, मूली, गाजर, अदरक सारे फल वहीं पैदा होते हैं, जैसे सब्जियाँ वगैरह, और उसी में लोग खेतों में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सब्जियाँ आपके घर तक आती है, चाहे वो थोड़ा आपने कम पकाया, छिलके को साफ नहीं किया, गंदगी कहीं ना कहीं से वो मिट्टी की लगी हुई चीज़ या बच्चे कोई खा लेते हैं, तो उससे भी ये वायरस आपके अंदर शरीर में बच्चों में जा सकता है। सीवियर डायरिया ये एक सबसे बुरी चीज़ है, इसके अंदर लूज मोशन होगा इसके अंदर, उससे कि उसकी जान जा सकती है। अगला जो बीमारी है छात्रों हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, एक तो वायरस पढ़ा हम लोगों ने खास खास, जीवाणु का मतलब बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, जब जीवाणु क्या है छात्रों जीवधन अणु, अब इसमें जीवन जैसे संकेत पाए गए,
ये पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि ये कोशिकीय जीव हैं, लेकिन कोशिका जैसी इनमें संरचना है, ये जीव हैं और ये मतलब जीव के अणु हैं और ये छात्र विषाणु जैसे नहीं हैं। इनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आसानी से, इनके विभिन्न प्रकार के संसार में क्या हैं, रूप हैं। इनकी तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछे कि वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोवा में आप किसकी संख्या सबसे ज़्यादा, तो आप कहेंगे जीवाणुओं की। जीवाणु की खोज अलग अलग समय में अलग अलग तरह से हुई। इनके लिए सबसे पहले माना जाता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जो है जीवाणुओं को देखा, जीवित कोशिकाओं को देखा। छात्रों, ये जीवाणु जो होते हैं वो कभी कभी आपके लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर देखें मोस्टली ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जीवाणु एकल कोशिकीय वाले सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी, पानी और जीवित जीवों सहित विभिन्न वातावरण में पाए जा सकते हैं। कुछ बड़े ऊंचे तापमान में रह लेते हैं, कुछ बड़ी दुर्गम अगर हम कह सकते हैं स्थिति में भी रह सकते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, वेल्केनों के पास ज्वालामुखी पे हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं। छात्रों, मिथोजेनिक बैक्टीरिया मिथेन गैस की भंडार बनाए रखते हैं, तो ये काम भी करते हैं और गैसेस वगैरह भी बनाते हैं, शरीर को दहन कराते हैं। दहन का मतलब छात्रों डिकम्पोज कराते हैं, कुल मिला के कहा जाए कि जैसे मृत शरीर को खाने के लिए इनका होना जरूरी है। ये कुदरत में रिसाइकिल करते हैं, यानी तत्वों का चक्रण बनाए रखने में बहुत बड़े उपयोगी हैं। छात्रों, इनका होना जरूरी है। आप जैसे लैक्टोबैसिलस आपने सुना, को दूध को दही में बदलने के लिए एक उपयोगी बैक्टीरिया है, इसको बच्चों को भी दिया जाता है पाचन मजबूत करने के लिए, दही और छाछ में आपको मिल जाएगा। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि आपने सुना है कि जैसे आपने सिरका सुना होगा, सिरके को उठाता है, आपने सुना होगा माइकोडर्मा एसिडी सिरके को फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी पड़ जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया आपके लिए उपयोगी हैं और कुछ बैक्टीरिया छात्रों काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हैं, है ना। तो छात्रों उसी को कह रहा है, मिट्टी पानी जीवित जीवों सहित विभिन्न वातावरण में ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोग कुछ बीमारियों के पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक बीमारी एंथ्रेक्स है छात्रों, ये बीमारी 2001 में काफ़ी चर्चा में आई थी क्योंकि जैविक हथियार के रूप में कुछ लोगों संगठन ने इनका इस्तेमाल किया था। पाउडर के रूप में चिट्ठी में डाल देते थे, जो पत्र आता था वो पत्र लोग खोलते थे, पत्र में पाउडर होता था और वो पाउडर हाथ में लगता था, फेफड़ों और त्वचा पर साफ तौर से हमला करता था, इससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो एंथ्रेक्स बीमारी जो है ये चौपावे से फैलती है। चौपावे का मतलब होता है कैटल्स, कैटल्स के अंदर ये बीमारस जो है इसका बैक्टीरिया आसानी से रहता है। इसको बैसिलस एंथ्रेसिस बोलते हैं छात्रों, बैसिलस एंथ्रेसिस रॉड शेप बैक्टीरिया होता है ये, और त्वचा और हमारे फेफड़ों पर हमला करता है। इचिनेस बहुत ज़्यादा खुजली, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख का ख़त्म हो जाना, नौजिया जी मतलाना और फीवर तेज़ बुखार आना, ये सभी तरह के लक्षण आपको यहाँ पे होंगे। ये उसका एक रूप है जीवाणु का छात्रों। तो ये ज़्यादातर कैटल्स यानी चौपावे से फैलता है। नेक्स्ट आगे हम लोग अगर देखेंगे डिजीज़ में छात्रों, अगर देखें तो हैजा रोग है कॉलरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको हम लोग बोलते हैं हैजा कॉलरा, और ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि हैजा रोग में देखा होगा कॉलरा जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, और इससे क्या होता है क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में ऐठन होगा, क्योंकि उल्टियाँ पलटी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, शरीर का जो पानी है आवश्यक तत्व होते हैं मिनरल्स वो निकल जाते हैं, जिससे कि आपके हाथ पैर में ऐठन होगी। मसल्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मस्कुलर क्रैम्प्स होता है, डायरिया लूज मोशंस होगा, सीवियर वोमिटिंग होगी और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसमें ORS वगैरह का घोल आपने सुना होगा, वो सारी चीज़ें दी जाती है। ये विब्रियो कॉलरी नाम के छात्रों बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से, इसका नाम है विब्रियो कॉलरी। तो आप सबको पता है कि एग्जाम में विब्रियो कॉलरी नहीं देगा आपको, विब्रियो कॉमा भी इसका नाम है, विब्रियो कॉमा, क्योंकि ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है और ये हमला करता है हमारी आंतों के ऊपर, मोशंस को बढ़ा देता है, पलटियाँ बढ़ते हैं। जब तक कि सही एंटीबायोटिक वगैरह इस पर नहीं दी जाएगी छात्रों, तो बच्चे अगर होता है छोटा तो उसकी जान जा सकती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लीथल है और काफ़ी ख़तरनाक है। अगला है छात्रों डिजीज़ में देखें तो डिप्थेरिया, ये एक बच्चों का रोग है डिप्थेरिया, इसका टीका छात्रों लग चुका है आप सभी लोगों को, आपने नाम भी सुना होगा DPT, ये जो टीका है DPT का, डी फॉर डिप्थेरिया, ये जो डी है ये टीका उसी के लिए लगता है। ये डिप्थेरिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के अंदर खास तौर से उनकी श्वसन नली में एक पतली सी एक मिम्ब्रेन, एक भित्ति, एक पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर हल्के पीले रंग का बनाता है बैक्टीरिया, जिससे बच्चे के घुटन होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और उसकी जान जा सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया गया। इसका जो बैक्टीरिया है वो कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरी है और ये हमला करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, मतलब श्वसन नली के ऊपर यहाँ हमला करता है और एक स्यूडो मिम्ब्रेन बनाता है। स्यूडो का मतलब होता है छद्म आभास,
आभासी मतलब वर्चुअल टाइप की एक पतली सी परत बना लेता है जिससे कि डिफिकल्टी इन रिस्पायरेशन मेनली 2 to 5 year old चाइल्ड। तो DPT के 3 खुराक छात्रों 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे बच्चों को लगाई जाती है। ये DPT के आगे बूस्टर डोज भी दी जाती है। ये डिप्थेरिया जो बीमारी है वो ये डी आपका ये उसी के बारे में है, 2 से 5 साल के बारे में। तो नेक्स्ट अगला जो है छात्रों यहाँ पे वो है कुष्ठ रोग। इससे आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं। कुष्ठ रोग को पहले माना जाता था छात्रों छुआछूत की एक बीमारी है ये भी है और याज भी कई जगहों पर इसका नाम लिखा हुआ है। इसको हैंसन डिजीज भी कहा गया क्योंकि एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था हैंसन जिन्होंने इसकी खोज करी थी उन्हीं के नाम पर बीमारी का हैंसन डिजीज भी पड़ चुका है। हैंसन रोग लिप्रोसी को हम लोग बोलते हैं छात्रों इसको कुष्ठ रोग या कोढ़ बोलते हैं इसी को याज भी बोला गया है और यह एक बीमारी छुआछूत है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी तेजी से फैलने वाला रोग है। कॉन्टाजियस भी बीमारी है और इसीलिए आपने सुना होगा इसके लिए काफी सरकारों ने मेहनत करी और इसके लिए निःशुल्क इलाज हर जिला अस्पताल में कराया जाता है। 6 माह का फ्री इलाज मिलेगा आपको वहां पर जाके। लिप्रोसी डिपार्टमेंट होता है पूरा। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लिप्री है और छात्रों ये हमला करता है त्वचा हड्डी परिधि तंत्रिका तंत्र के ऊपर। सबसे पहले आपको नमनेस आएगी, छूने की क्षमता टच करने की फीलिंग यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। फिर ये देखिए इस तरह के स्कार्स पड़ जाएंगे, धब्बे पड़ने लगेंगे, उसके बाद हाथ पैर थोड़ा सा क्लिंच कर जाएंगे। ये सारी समस्या यहाँ पर पैदा होती है। त्वचा हड्डियां परिधि तंत्रिका तंत्र है, अल्सर गांठे पपड़ीदार पपड़ियां यहाँ पे होंगी, संक्रमित हिस्सा बेहोश हो जाना यानी सुन पड़ जाना ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर स्किन का कलर चेंज हो रहा छूने पर आपको हाथ पैर में पता नहीं चल रहा, इसीलिए छात्रों गंदगी से बचना, ज्यादातर ये कॉन्टाजियस इन्फेक्शन से होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो बचना है छात्रों इससे भी। अगर किसी को कुष्ठ हो गया तो पहले तो वो इलाज कराए और दूसरों को भी बचाना चाहे उसको। अगला है छात्रों प्लेग, इससे भी आप वाकिफ हैं। प्लेग एक दुनिया में कई बार इसे आपने सुना होगा ब्यूबोनिक प्लेग, ये एक प्लेग है जो काली मौत ब्लैक डेथ कहा गया इसे छात्रों, महामारी के रूप में बचपन में भी आपने सुना होगा गुजरात के अंदर ये बीमारी पैदा हुई थी जिसको हम लोग प्लेग बोलते हैं छात्रों। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है छात्रों ये भी आप जान दें कि इससे इंसान शरीर पूरा काला पड़ जाता है और इसके लिए हमने आपसे बताया था कि यहाँ तक कि बीमारी मिलिट्री का भी, यह गुजरात के अंदर जब ये बीमारी फैली थी तो आर्मी का जो है सहारा ली क्योंकि महामारी फैलने लगी थी, लाशें सड़ने लगती हैं बुरी तरीके से। और ये चूहों से छात्र खासतौर से चूहे या चूहे जैसे जीवों के द्वारा ये बीमारी फैलती है छात्रों, ठीक है, या अक्सर सुना होगा चूहे द्वारा। चूहे इसको फैलाते नहीं बल्कि छात्रों एक पिस्सू होता है, एक जैसे जुएं होती हैं, कीड़े होते हैं जैसे आप कहते हैं ना पैरासाइट जो रहते हैं जीवों के ऊपर, वो उनसे ये बीमारी फैलती है। क्योंकि ये जो प्लेग है छात्रों इसके भी 2 रूप हैं, लेकिन जो प्लेग है छात्रों हमने आप इसमें बता दिया कि इसको फैलाने के लिए वो कीड़ा यानी पिस्सू जिम्मेदार है क्योंकि पिस्सू के अंदर इसका बैक्टीरिया रहता है पास्चुला पेस्टिस या यर्सिनिया पेस्टिस। अब वो कीड़ा जो है वो रहेगा कहाँ, वो चूहे पे भी रह सकता है, गिलहरी पे भी रह सकता है और खरगोश पे भी रह सकता है, यानी इसमें तीनों पे रह सकता है, चूहा गिलहरी खरगोश से चूहे जैसे और कोई भी प्रजाति है उनको अंदर भी पाया जा सकता है। ब्लड और लंग्स पर हमला करता है खासतौर से हाई फीवर और शरीर में जो गांठें हैं गिल्टियाँ हैं उनमें बड़े बड़े सूजन आ जाएगी स्वेलिंग आ जाएगी छात्रों, से क्या होगा इंसान की जो है डेथ हो सकती है, आंखें खून की तरह लाल तेज बुखार ये सारे इसके इसके अंदर लक्षण है छात्रों। तो प्लेग भी काली मौत ब्लैक डेथ से संबंधित इसका नाम है और चूहों से फैलने वाला रोग है जिसके अंदर मैंने बताया 2 प्रकार की इसमें प्रजातियां हैं। आगे छात्रों यहाँ पे अगली बीमारी उसका नाम है निमोनिया, ध्यान दीजिएगा अगली बीमारी है निमोनिया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोविड में छात्रों ये बच्चों को भी खासतौर से संक्रमित करता है, बच्चों के अंदर भी इसके अंदर समस्या पैदा हो सकती है। अक्सर सुना होगा बच्चों को निमोनिया हो गया, डबल निमोनिया हो गया। निमोनिया का मतलब फेफड़ों में सूजन आ जाना, जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है लंग्स की वो घट जाती है छात्रों, यानी कि सांस लेने में समस्या होती है डिफिकल्टी। इसका जो जीवाणु है छात्रों उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोकॉकस निमोनी बोलते हैं डिप्लोकॉकस। हमला कहाँ होता है रेस्पिरेटरी तंत्र पर, हमारे श्वसन तंत्र या फेफड़ों पर, चेस्ट पेन होना, कफ और हाई फीवर यानी सांस लेने में समस्याएं वगैरह हो सकती है। देखिए आपको हमने बता दिया कि जो हमारी ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता थी वो घट गई क्योंकि हमारे फेफड़ों में क्या हो गई छात्रों सूजन आ गई यानी कि स्वेलिंग आ गई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा निमोनिया बच्चों में भी हो सकता है बड़ों में भी। अगर 6 माह से बच्चा कम है अगर आपका निमोनिया हो जाता है तो इस काफ़ी सीवियर हो सकता है, बच्चे की इसमें जान भी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। अगला है छात्रों यहाँ पे टेटनस। टेटनस लॉक जा के नाम से फेमस है, आप सब जानते होंगे, अक्सर चोट लग जाती है, घाव होता है तो यही कहा जाता है अगर धूल मिट्टी के संपर्क में आ गए, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है या कभी आपने कीला कांटा देखा होगा इस तरह का कोई शार्प जो है ना किसी भी लोहे वगैरह से देखा होगा पुराने जंग लगे हुए चीज़ों से कटता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई टेटनस का टीका लगवा लो। टेटनस वही टेटनस है छात्रों, ये जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि ये लीथल डिजीज़ है, लेकिन जनरली लोगों को कम ही होता है।
टेटनस जबड़ा बंद हो जाना, इसको लॉक जॉ इसलिए बोलते हैं कि इसमें शरीर में मसल्स में स्पाज्म आता है, मसल्स ट्विच कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जिस तरह से आप कपड़ा धुलते हैं तो कपड़ा धुलने के बाद आप जब निचोड़ते हैं तो कपड़े का साइज छोटा होने लगता है, उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, क्योंकि इसमें सैत्रो कैल्शियम का भी मामला जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के सीवियर हाइपर टेंशन एंड स्पासिटी कॉज बाय न्यूरोटॉक्सिन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया वो हमला करके इसमें स्पाज्म पैदा करता है, जबड़े बिल्कुल जाम हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। ये कब होता है छात्रों? जब आप संपर्क में आते हैं, अक्सर ये धूल में, डस्ट में और रस्ट में रहता है, जंग लगे लूहे में मिल जाएगा और धूल में मिलेगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का इसका जीवाणु है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही हमला अटैक करेगा, जो कि आपको पता है उससे मसल्स पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पर जब असर पड़ेगा तो मांसपेशियों पड़ेगा, फिर मांसपेशियां ट्विच करने लगेंगी, ऐठन होने लगेगी और उनमें कन्वल्जन आएगा, शरीर बिल्कुल जाम होने का कारण क्या हमने आपसे बता दिया इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहला आप कीला देख रहे हैं, हर वो चीज़ जिसमें डस्ट लगी हो और आपके ओपन वुंड इंजुरी हो, यानी कि आपका जो कट लगे, कीला आपके अंदर प्रवेश कर गया हो, जंग लगा, मोर्चा, फावड़ा, गैती, कुदार, आपने देखा यहाँ तक कि जाली है लोहे की वो लग जाता है, चूहेदान जो होता है माउस ट्रैप वो लग जाए आपके शरीर पे, है ना, कभी कभी कांच लग जाता है, उससे भी लोगों को टेटनस का इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर छात्रों इसको लगवाना जरूरी रहता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने पहले कितने दिन आप इसको टीका लगवा चुके हैं छात्रों, है ना। बचपन में तो आपको दिया ही जाता है इसके लिए डोज है, ये वही एक टीका है छात्रों जो सबसे पहले गर्भवती स्त्री को जो है लगता है, इसके पहले कोई भी सा टीका जनरली नहीं दिया जाता, ये जानलेवा रोग हो सकता है जब आप इसके संपर्क में हैं। अगली बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस टीबी। छात्रों, ये माना जाता है कि भारत देखा जाए दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पेशेंट यहाँ पे इसके टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के मिल जाएंगे। भारत एक विकासशील देश है, यानी डेवलपिंग कंट्री है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, ठीक है छात्रों, क्लाइमेट अगर का देखा जाए तो काफी ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये टीबी जो है एक तरीके से देखा जाए तो आनुवांशिक भी है, कुछ हद तक पैतृक भी हो सकती है, और ज़्यादातर याद रखिए ये एक्वायर्ड हो सकती है, अर्जित की हो सकती है, हमारे रहन सहन, हमारे जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं उससे भी संपर्क में आने पे ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, इसी को तपेदिक या छात्रों इसी को हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इसी को छात्रों क्षय रोग बोलते हैं। अब टीबी कहीं पर भी हो सकता है शरीर में छात्रों, लेकिन जनरली हम लोग जानते हैं कि फेफड़ों में टीबी जो होता है जनरली वो कहाँ होता है, हम उस टीबी की बात कर रहे हैं जो फेफड़ों में होता है, या आपके बोन में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, लंग्स में, किडनी में, कहीं भी हो सकता है। इसका जो बैक्टीरिया है जीवाणु, याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है, फेफड़ों पर हमला करता है, बार बार खांसी आना, तेज बुखार आना, शरीर में गिल्टियों का फूल जाना, ठीक है छात्रों, और आपका वेट गिरने लगेगा, शरीर एकदम पतला होने लगेगा, ठीक है, फीवर रहने लगेगा छात्रों, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी खत्म हो जाएगी, तेज बुखार है छात्रों। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे काफी ज्यादा लोग भारत में ग्रसित हैं, खास तौर से बच्चे हैं और इसमें पुरुष हैं। कारण हमने आपसे बता दिया, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसको टीबी हो जाए उसको बचाना है दूसरों को भी, और इसमें वही मास्क है, थोड़ा जो दूरी बनाना है, बलगम वगैरह से ये बीमारी एक दूसरे से इंसान में दूसरे में फैल सकती है, यानी एयर बॉन्ड भी हो सकती है छात्रों, ठीक है, खांसते समय और बलगम को थूकते समय भी यहाँ ध्यान देना, चेस्ट में से ब्लड भी आ सकता है, आगे खतरनाक हो गया तो सीने में दांत दर्द होगा, ठीक है, डिफिकल्टी होगी सांस लेने के अंदर काफी ज्यादा। और छात्रों इसके लिए यही हमने आपसे बताया कि WHO के द्वारा डॉट्स का एक अभियान चलाया गया है, DOTS डॉट्स, डॉट्स के तहत आपने पक्के इलाज का पक्का वादा सुना होगा, हर जिला अस्पताल में निःशुल्क आपको इसका उपचार दिया जाता है, 6 माह का निःशुल्क इलाज है, अगर शुरुआती दौर में आप इसमें ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अगर लापरवाही करेंगे तो हो सकता है कि इसमें भी नुकसान आप झेल सकते हैं छात्रों, शरीर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इसमें यही इलाज है, इसमें सिम्टोमेटिक आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराया जाता है, फुल कोर्स लगभग 6 महीने में, अन्यथा अगर आप में बीच में ब्रेक करते हैं तो डॉक्टर को लगता है तो 3 महीने का और इलाज इसमें दे सकते हैं। 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है ताकि लोग इससे अवेयर रहे। अगला है आपके सामने आंत्र ज्वर छात्रों, टाइफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड को आप जानते हैं छात्रों मियादी ज्वर भी बोलते हैं, मियादी ज्वर, आंत ज्वर, एंट्रिक फीवर, आंत का मतलब होता है आपकी जो छोटी आंत होती है उस पर खास तौर से ये हमला करता है, जिसे हम लोग इंटेस्टाइन बोलते हैं, और हमने बताया भी था आप लोगों को, पहले भी आपने किया होगा उसमें ये भी हमने आपसे बताया कि जो इंटेस्टाइन है हमारी वो आहार पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है। कारण क्या है कि हमारे जो पाचन की प्रक्रिया है सबसे ज्यादा यहीं पर होती है, तो टाइफाइड छात्रों आमतौर पर जनरली से देखा जाए, सर्वे कराया जाए तो ज्यादातर लोगों को हो चुका होता है,
कारण क्या है छात्रों, ये हमारे जो हमारा जो दिनचर्या हमारा रहन सहन छात्रों उसका प्रभाव पड़ता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु है ये आमतौर पर आपको दूषित जल या भोजन में मिलेगा। दूषित जल लगभग आप कम से कम आप ले लेते हैं, अगर पीते हैं पानी है दूषित आपके घर में हॉस्टल में कहीं पे भी, तो साल्मोनेला आप चाहे कोई भी चीज़ खाते पीते हैं उससे भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। आधा लीटर से ज़्यादा अगर आप पानी पी लेते हैं कॉन्टामिनेटेड, इसमें साल्मोनेला टाइफाई है तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। चाहे तो इसमें भी कई चरण होते हैं, पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह अलग अलग इसमें क्या है लक्षण आना शुरू होते हैं। इसमें एक विडाल टेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है विडाल, याद रखिएगा विडाल, एग्जाम में आपने कराया भी होगा। इसमें हाथ पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तेज़ बुखार रहता है, अजीब सी कैफियत होगी, पाचन बुरी तरह प्रभावित होगा, सर हमारी आंतों में घाव भी हो सकते हैं इसमें, डायरिया हेडेक वगैरह, और इसका इलाज भी आपको आसानी से मिल सकता है, इसके अंदर कोई असंभव वाली बात नहीं है छात्रों। अगली एक बीमारी है इसका नाम है काली खांसी, इसी को छात्रों कुकुर खांसी भी बोलते हैं, कुत्ते के भौंकने जैसी इसमें आवाज़ आती है, ठीक है, ये जानलेवा हो सकती है लेकिन आपके लिए नहीं बचपन में। इसके लिए हमने आपसे बताया था वो याद रखिएगा डी पी टी, ये जो डी था डिप्थेरिया आपने पढ़ लिया, ये जो पी आ रहा है छात्रों पी जो है वो यहाँ से लिया गया है पर्टोसिस से। पर्टोसिस का मतलब होता है उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस पर्टोसिस, ठीक है, कई अलग अलग प्रजातियाँ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पास्चुला पेस्टिस भी बोलते हैं इसको छात्रों, इसको अरे इसमें बैसिलस पर्टोसिस भी बोलते हैं, बॉम्बडेला भी बोलते हैं, कई नाम है, वूपिंग कफ इसको बोलते हैं, काली खांसी बड़ी बुरी खांसी होती है छात्रों, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यह बैक्टीरिया हमला करता है, कॉन्टीन्यूअस कफ डॉग बार्किंग कफ, इसीलिए कुकुर खांसी या काली खांसी छात्रों इसको बोलते हैं। इसका बचपन में ही हम लोगों को टीके की डोज लग चुकी है डीपीटी। ये पी जो है वो काली खांसी है, डी जो है वो डिप्थेरिया का है, टी छात्रों जो है वो टेटनस का है, टी डी पी टी, टी जो है वो टेटनस का है। अगला छात्रों जो तीसरे नंबर पे, पहले हमने विषाणु पढ़ा मुख, उसके बाद जीवाणु पढ़ा, अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है छात्रों प्रोटोजोआ रोग है छात्रा। तो प्रोटोजोआ क्या है छात्रों, ये एक प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्रारंभिक जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। सबसे बड़ी इनकी खूबी है ये सिंगल सेल एनिमल हैं, जैसे अमीबा आपने खूब सुना है नाम, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम, ठीक है छात्रों, ये सभी वही जीव हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, या हम लोग इनको बोलते हैं प्रोटिस्टा, किंगडम जगत से बिलोंग करते हैं ये लोग। प्रोटोजोआ बोलते हैं, जोआ का मतलब होता है एनिमल्स जीव, और प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत पहले पृथ्वी पर पैदा हुए। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ कॉन्टामिनेटेड वाटर में गंदगी में रहते हैं छात्रों, यानी कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ मैराइन है, यानी सॉरी कुछ जमीन पर रह सकते हैं और कुछ आपको पानी में भी मिल सकते हैं। प्रोटोजोआ एकल कोशिकीय वाले सूक्ष्मजीव जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। प्रोटिस्टा क्या है, पांच जगत हैं, ठीक है, पांच जगत में वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन में, तो उसमें से एक जगत है प्रोटिस्टा जिनके अंदर इनको रखा गया छात्रों, ठीक है। अब इनसे कुछ बीमारियां हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमियासिस, इसी को निद्रा रोग भी बोलते हैं छात्रों हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग यही है। निद्रा एक तरह का मानसिक विकार है, हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है जब नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिससे कि शरीर पर ऐसी कैफियत ऐसा हाल हो जाता है जैसे लगता है निद्रा में चला गया इंसान, बल्कि एक तरह की समस्या है, विकार है। अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमियासिस बोलते हैं इसको, सोमेसिस का मतलब होता है सोना। इसका जो बैक्टीरिया जिसको प्रोटोजोआ है उसका नाम है छात्रों ट्रेपेनोसोमा गैम्बियम्स ब्रूजी और क्रूजी, दो इसकी प्रजातियां हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए ट्रेपेनोसोमा वाहक जो है छात्रों बहुत पूछा जाता है, इसको फैलाने वाला स्लीपिंग सिकनेस को यानी निद्रा रोग को फैलाने वाली जो बीमारी को जो कॉन्ट जो वैक्टर है वाहक है वो सीसी मक्खी होती है, एक स्पेशल टाइप की अफ्रीकन फ्लाई है सीसी मक्खी, ये इस बीमारी को फैलाती है। हमला होता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर छात्रों, फील स्लीपी एंड मे कॉजेज डेथ, और इंसान की मौत हो जाती है छात्रों। फील स्लीपी का मतलब होता है निद्रा जैसा रोग, तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो याद रखिएगा स्लीपिंग सिकनेस नाम का बीमारी निद्रा रोग को फैलाने वाला जो वेक्टर है वो सीसी मक्खी है छात्रों। हमला हमारे नर्वस सिस्टम ब्लड पर होता है, और इसका जो प्रोटोजोआ उसका नाम है ट्रेपेनोसोमा गैम्बियम्स ब्रूजी यार क्रूजी, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ददली है, खतरनाक है मक्खी, आप देख सकते हैं छात्रों यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रही है सीसी फ्लाई है जो अपने अंदर से ले जाके उस परजीवी उस प्रोटोजोआ को ले जाके इंसान तक पहुँचाती है। आगे छात्रों अमीबेसिस नाम जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अमितिसार, एक होता अतिसार जिसे हम डायरिया बोलते हैं, एक होता है छात्रों अमितिसार, ध्यान दीजिएगा अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा जैसा नाम आपको यहाँ पे सुनने में आ रहा है, तो एक अच्छा अमीबा बुरा अमीबा। अमीबा एक होता है जो फ्रेश वाटर में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उन्हीं की एक प्रजाति है कोशिकीय जीव है एंट अमीबा, जो कि छात्रों हाथों में जाकर हल्सर कर देता है, घाव करता है, तो पॉटी से स्टूल से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है, लूज मोशन विद ब्लड पेन इन एब्डोमेन, क्रैम्पिंग होती है, जैसे आपको लगा कोलाइटिस जैसा हो गया है। तो ये छात्र बीमारी जिसका नाम है अमीबिक डिसेंड्री अमीबेसिस बोलते हैं इसको, अमीबेसिस को हम लोग अमीतिसार बोलते हैं, और ये होता है एक प्रोटोजोआ के द्वारा जिसका नाम है एंट अमीबा। ठीक है छात्रों, यहाँ पे आगे बीमारी है अगली डायरिया। डायरिया भी छात्रों एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि जियार्डिया नाम के एक जीवाणु के द्वारा पैदा होता है, और आपको पता है कि डायरिया में ज्यादातर लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग कम, कॉलरा में वोमिटिंग बहुत, लूज मोशन कम, पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है, दस्त और उल्टी, लूज मोशन सबसे ज्यादा होता है, जिससे शरीर के अंदर निर्जलीकरण हो सकता है छात्रों, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और एक बच्चा हो तो शायद उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन इसको काफी ज्यादा खतरनाक माना गया है। अगली एक डिजीज है छात्रों, बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियसिस, हाथी पांव या पील पांव। आपने सुना होगा कि हाथ पैर, तो हाथ तो नहीं, पैर जो हो जाते हैं वो हाथी की तरीके से मोटे और बड़े हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, इन्हीं को पील पांव, फील पांव, हाथी पांव, एलिफेंटेसिस या फाइलेरियासिस बोलते हैं। फाइलेरिया सरकारी दवाएं भी बट वितरित होती हैं घर घर में, गांव देहात में जो है आते हैं लोग और सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं, लो फाइलेरिया की दवा खा लो, क्योंकि छात्रों एक बीमारी है जो कि मच्छर है क्यूलेक्स, ये क्यूलेक्स मच्छर जो है इसको बीमारी को फैलाती है, मतलब फीमेल है क्यूलेक्स में, और जो प्रोटोजोआ का नाम है वो चेरेरिया ब्रॉनक्राफ्टी नाम है इनका, वो चेरेरिया ब्रॉनक्राफ्टी नाम का प्रोटोजोआ है जो कि एक मच्छर नाम है, क्यूलेक्स के जरिए से होता हुआ हमारे शरीर में जाकर लिम्फैटिक सिस्टम को असर डालता है, आर्म्स एंड लेग्स पर स्वेलिंग ऑफ लेग एंड आर्म, जनन अंग से लेकर पूरे शरीर के एक हिस्सा या दोनों हिस्सों में हो सकता है, यह हमारे लिम्फैटिक चैनल को डिस्टर्ब करता है, हमारे लसीका तंत्र को प्रभावित करता है, ये सही ना होने वाला इलाज है छात्रों, बीमारी है, क्योंकि इसमें जो है हम कहा जाए इसकी सर्जरी करना भी बड़ा ही खतरनाक है छात्रों, अगर सर्जरी करके मांस निकाला जाएगा तो ये कहा जाए कि अंदर से जैसे कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको नहीं सही किया जा सकता, तो छात्रों ये किसी को ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, इस इसका नाम एलिफेंटेसिस है। छात्रों अगली बीमारी काला आजार या डमडम फीवर, एक अफ्रीकन बीमारी है जो कि भारत के अंदर भी मौजूद है, इसी को हम लोग काला आजार बोलते हैं छात्रों, या डमडम फीवर, इसका निक नाम अफ्रीका के अंदर है डमडम फीवर, ये एक लेस्मानिया डोनोवनी नाम के प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये देखिए इसका नाम है लेस्मानिया डोनोवनी, और इसको फैलाने वाली मक्खी का नाम है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी इसकी जो है वाहक है, सैंड फ्लाई या बेडबग खटमल भी इसको फैला सकता है, और ये हमला करता है हमारे स्प्लीन, तिल्ली जिसको हम लोग प्लीहा बोलते हैं, और यकृत पर, हाई फीवर एंड लीवर एनलार्जमेंट, पेट और आपका लीवर वगैरह सब बुरी तरह से प्रभावित होगा, नाम इसका है डमडम फीवर, काला आजार भी बोलते हैं, काफ़ी इलाके हैं जो कोसी नदी के आसपास के इलाके बिहार के या कुछ जगहों पर ये बीमारी आपको मिल जाएगी, नाम है इसका डमडम फीवर या काला आजार छात्रों। अगला है छात्रों मलेरिया, इससे तो सभी लोग वाकिफ हैं, अच्छी तरीके से परिचित है कि मलेरिया जो बीमारी है, ठीक है छात्रों, ये किसी को कभी भी हो सकता है, मलेरिया का जो वाहक है वेक्टर है उसका नाम है फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज, और मलेरिया की लगभग दुनिया में 5 प्रजातियां हैं, लेकिन आपने नाम शायद एक ही दो का सुना हो, जिसमें से कुछ प्रजातियों के नाम हम आपको बता दें। देखिए मलेरिया, तो मलेरिया के कई रूप हो सकते हैं, ठीक है, कुछ खतरनाक हैं और कुछ नहीं है, लेकिन फैलाने वाला वाहक वही है एनाफ्लीज है। अब जो पैदा करता है मलेरिया रोग को पैदा करता है उस प्रोटोजोआ की प्रजातियां 5 हैं, इसमें से 4 आपने शायद सुनी हो, एक का नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नाम सुना होगा उस प्रोटोजोआ का जो मलेरिया पैदा करता है भारत और आसपास के क्षेत्रों में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बाद फैल्सीपेरम जो कि अफ्रीका में काफ़ी खतरनाक होता है, प्लाज्मोडियम ओवियोली है और प्लाज्मोडियम मलेरी है छात्रों, इसी तरह से करीब देखें तो 4 प्रजातियां आपने नाम सुना होगा। मलेरिया जो है छात्रों प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के द्वारा पैदा होता है, वाहक इसमें फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज है, ये जो कीड़ा है छात्रों जो प्रोटोजोआ है ये अपने जीवन को 2 तरह से पूरा करता है, आधा जीवन मच्छर के अंदर और आधा हमारे शरीर के अंदर रुधिर के अंदर, ब्लड को तोड़ता है सेल्स को, तेज जूड़ीदार कपकपीदार इसमें बुखार आता है, जूड़ी बुखार पसीना ये तीनों चीज़ें हैं जो लगातार इसमें चलता रहता है, पीरियोडिक या देखिए लिखा हुआ है, पीरियोडिक का मतलब समय समय पर तेज बुखार, बुखार आएगा फिर पसीना आएगा, पसीने के बाद फिर कपकपी आएगी फिर बुखार, ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहती है छात्रों, ये समझ लीजिएगा साइक्लिक इसके अंदर होता है। और इसमें एक जो है साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा सर रोनाल्ड रॉस और चार्ल्स लेवरॉन का,
सर रोनाल्ड रॉस वही वैज्ञानिक है जो कि भारत में पैदा हुए, एक ब्रिटिश जो है भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको आगे 1902 में नोबल पुरस्कार भी दिया गया इस कार्य क्षेत्र के लिए। उन्होंने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के बारे में बताया। चार्ल्स लेवरान जो थे वो उन्होंने जैसे पहले इस कीड़े के बारे में बताया जो कि मलेरिया को पैदा करता है छात्रों। और इसकी दवा जो आपसे अक्सर पूछी जाती है वो कुनेन दवा है जो कि सिनकोना नाम के पौधे से प्राप्त होती है, उसके छाल से कई बार आता है एंटी मलेरिया ड्रग जिसका नाम है कुनेन। छात्रों याद रखिएगा कुनेन या ना क्लोरोक्विनेन। अगला है छात्रों पारिया। आप सब अच्छे से तरह से जानते हैं, बहुत सारे लोगों के इंसान कितना भी खूबसूरत हो लेकिन चेहरे में अगर उसके माउथ के अंदर पारिया हो जाए तो एक दुर्गम बड़ी खतरनाक बदबू आएगी, दांतों में सड़न हो सकती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब बीमारी है। आप जानते हैं छात्रों अच्छी बीमारी ख़राब बीमारी का मतलब नहीं, मेरा कहने का काफ़ी बुरी बीमारी हम कह सकते हैं ग्रेड के आधार पर, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। और ये इन्फेक्शन संक्रमण से फैलता है। एंटमीबा जिंजीवेलिस नाम का जो है इसमें एक प्रोटोजोआ है जो हमला करता है आपके मसूड़ों के अंदर, जो साथ साथ दांतों को भी ख़राब करता है। पस आना, ठीक है, ब्लीडिंग होना, दांत का ढीला पड़ जाना और बदबू से तेज जो है माउथ से बदबू आएगी, टेंडरनेस, रेडनेस, स्वेलिंग एंड गम्स, ये सभी लक्षण जो है छात्रों पारिया के हैं। तो पारिया जो है छात्रों फैल भी सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान के संपर्क में आने पर। अगला जो चौथा है छात्रों वो कवक जनित रोग। कवक जनित ये भी बहुत अच्छा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे, कि कवक जनित मतलब फंगल डिजीज छात्रों, फफूंद जनित। आखिर फफूंद क्या है ये आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे आसानी से। मशरूम जानते होंगे छात्रों आप लोग, कुकुरमुत्ता बोलते हैं हिंदी में, कवक बोलते हैं छात्रों। इनके कई रूप होते हैं, इनके तीन खास रूप हैं यहाँ पे, देखिए लिखा है ईस्ट, मोल्ड और मशरूम। मशरूम जो खाने योग्य भी होता है नहीं भी होता है, ठीक है छात्रों। इसका दूसरा जो रूप है ईस्ट, खमीर वाला, इससे बेकरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशन किण्वन कराया जाता है, शराब बनाई जा सकती है, ठीक है, बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मोल्ड का जो है आपने देखा होगा ये रोटी पर, अक्सर जो है ब्रेड पर आपने देखा है खराब होने पे खाने पे निकल आते हैं, भूई जैसे काई कहते हैं वो मोल्ड होते हैं छात्रों, इनको हम लोग मोल्ड बोलते हैं। और मशरूम को तो आप देखते हैं छत्तेदार जो आपको नज़र आते हैं छात्रों, वो खाने योग्य भी हैं और नहीं भी, इनमें प्रोटीन होता है काफ़ी मात्रा में, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं छात्रों। और जो कवक होते हैं छात्रों वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, इनकी जो सलवाल होती है वो काइटिन पदार्थ की बनी होती है। आगे जो बीमारी छात्रों उसका नाम है स्पर्जिलिस, तो ये बीमारी जो है एस्परजिलस, ठीक है, फ्यूमिगेटस नाम के एक जो है फफूंद के द्वारा होती है, फेफड़ों पर हमला करती है, फेफड़ों की कार्यप्रणाली में रुकावट डालती है, इससे इंसान के ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, मुंह से खून आ सकता है और इनसे इंसान की डेथ भी हो सकती है। अगला है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एथलीट फुट, एक बीमारी इसका नाम है धावक, जो एथलीट्स होते हैं जो रेगुलर नंगे पांव जमीन पर रनिंग करते हैं, ठीक है छात्रों, उनके इन्फेक्शन पैदा हो जाता है पांव के अंदर, एक खास प्रकार का जो है इसका नाम है टीनिया पेडिस नाम है जीवाणु का, जो कि फफूंद का जो कि हमला करता है पांव के अंदर, इन्फेक्शन करता है, खासतौर से एथलीट्स के जिस बीमारी का नाम हो गया एथलीट फुट। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा आपसे, पूछा जाएगा कि भाई एथलीट फुट नाम का रोग जो है वो किससे पैदा होता है, जीवाणु से, विषाणु से, ठीक है ज़्यादा फफूंद से, तो कवक से, तो आप किससे कहेंगे कवक से पैदा होता है छात्रों। नेक्स्ट अगला है गंजापन, बाल्डनेस, इससे तो आप सब लोग वाकिफ हैं, एक दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या है गंजापन छात्रों। देखिए गंजापन होने के कई सारे कारण हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन उसमें कुछ एक खास कारण है जो रूसी या डैंड्रफ बनता है, आपने देखा होगा जो डैंड्रफ आप कहते हैं पतली पतली परत पड़ जाती हैं बालों में जो कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, वो खास प्रकार का एक फफूंद है टीनिया कैपेटिस नाम है इसका, ठीक है छात्रों, ये गंजेपन का बहुत बड़ा दुनिया में कारण है। गंजेपन के बहुत सारे कारण हैं, आनुवांशिक कारण भी है छात्रों, ठीक है, आप मेंटल भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, तेल वगैरह शैम्पू बदल होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्लाइमेट्रिक चेंज हो रहा, हार्मोनल है, कोई भी तरह का छात्रों उससे भी आपको हो सकता है, बाल हेयर फ्लॉल या इसमें डैंड्रफ वगैरह जो बने तो वो डैंड्रफ नहीं छात्रों, वो एक तरह का फफूंद है। अगला छात्रों यहाँ पे देखिए प्रमुख करो उदाहरण बेरी बेरी थायमिन डिफिशियंसी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, मेजर डिजीज कॉज बाय फफूंद के अंदर ये देखेंगे, ठीक है छात्रों यहाँ पे इसमें बात में। फिर ये फंगल इन्फेक्शन में आ गया क्रिप्टोकोक्कस है छात्रों यहाँ पे, ठीक है, दिमागी हमला करता है, फंगल मेनिनजाइटिस भी होता है, यानी मस्तिष्क के अंदर भी फंगस आपका हमला। एक आपने पढ़ा होगा छात्रों ब्लैक फंगस आया था कोविड के बाद ब्लैक फंगस बहुत आया था, काले फफूंदी जो कि आपके चेहरे नाक और दिमाग के अंदर भी हमला कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हुए थे, वो बताया गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के अंदर भी पहले से मौजूद था क्योंकि वो एरोबिक होता है, वो फफूंद जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को लिया उससे बीमारी हो गई। अगला छात्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है दाद,
रिंग वार्म, आप अक्सर जानते होंगे छात्रों रिंग वार्म जो लिखा हुआ, जिसे हम दाद कहते हैं, सामान्यता आपको घर परिवार में बीमारी मिल जाएगी। और बेहद खराब बीमारी इसलिए है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी से जाती है। इसीलिए छात्रों कहीं से भी घूम घाम के घर में आए तो अपने घर में कुछ खाने पीने से पहले हाथ पैर किसी से आपने जो है पहले अपने हाथ पाँव को अच्छे से धुल लें, साफ कर लें, वॉश कर लें, फिर आप अपने बाकी कामों में टॉवल वगैरह तौलिया को फिर छुएं तो ज़्यादा अच्छा है छात्रों। क्योंकि आप जूते को उतारे होंगे, जूता छुए आप, अभी आप हैंडल छुए होंगे, कहीं गए हैं आप, किसी से मिले तो आप हाथ पैर जल्दी से आप लोग हाथ दौड़ के मिला लेते हैं, ठीक है मिलाइए। लेकिन छात्रों ये भी तो ध्यान देना है कि अब उसको कौन सी इन्फेक्टेड डिजीज़ है। तो ज़्यादातर लोग देखे हैं दूर से नमस्कार करते हैं, अदाब करते हैं, सलाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा हाथ मिलाने का काम कोशिश करते हैं। कारण यही है छात्रों कि दो गज की दूरी मास्क जरूरी वही वाला सिद्धांत है कि पता नहीं किसको कौन सा पानी है, हाथ में बीमारी हो तो, लेकिन कम से कम घर में आके अपने हाथों को, बहुत ज़्यादा आपको दिमागी बीमारी भी नहीं पालनी है, बस सफाई ज़रूर ध्यान दीजिए। घर में आएँ, साफ सफाई बरतिए, फिर आप आएँ फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंसान क्या है, ट्राइकोफाइटॉन वेरिकोसम, ट्राइकोफाइटॉन माइकोस्पोरम, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया फफूंद हैं जो आपको रिंगवार बीमारी पैदा कर सकते हैं। और ये खास बीमारी की पहचान है कि बीमारी ज़्यादातर आपके थाई में, जांग में, कमर पर, गर्दन पे होता है और बेहद इसके अंदर ईचिंग होता है, तेज़ इसमें खुजली, लालपन आ जाता है और बर्निंग सेंसेशन एकदम आग की तरह। और सबसे बड़ी बात में क्रीम व्रीम आपने सुना होगा, ये बीमारी जो है ठीक होती है तो वहाँ पर स्किन क्या कर देगी, ब्लैक कर देगी, काला कर देगी। ये इसके साथ में एक सबसे बड़ा इसका देखें दुष्परिणाम है, ठीक है छात्रों। आगे है छात्रों स्कैबीज, ये इस बार बीमारी की बात आ रहे थे, ये बड़ी ही खराब टाइप की बीमारी छात्रों, ये एक गंदे टाइप के लोगों की बीमारी है और ये बीमारी जल्दी से ठीक भी नहीं होती, इसके लिए आपको काफ़ी लोशन वगैरह लगाना पड़ेगा, दवा वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। स्कैबीज जो है वो आपके जो एक छोटे छोटे इच माइट बोलते हैं जिनको, इनको एकेरस स्कैबी बोलते हैं, इच माइट का मतलब छोटे छोटे कीड़े टाइप का समझ लीजिए, ये हमला करते हैं स्किन पर, खासतौर से जनन अंगों पर, जेनाइटल ऑर्गन्स पर हमला करते हैं, भयंकर इसमें रात में बहुत ज़्यादा तगड़ी आपको क्या होगी भाई, ईचिंग होगी, सीवियर बर्निंग सेंसेशन होगा, खासतौर से रात में, क्योंकि इनकी एक्टिविटी रात में बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये इच माइट से होता है और स्कैबीज एक तरह का देखा जाए तो भी इन्फेक्टियस डिजीज है। तो छात्रों ये थी आज की आपकी क्लास, जिसके अंदर हम लोग ने मानव रोग में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज को यहाँ पर कवर करा है, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसी तरह से हम लोग ये क्रैश कोर्स जो 100 डेज का चला रहे हैं, इसमें जुड़े रहिएगा लास्ट तक में, सभी क्लासेस को निरंतर करिएगा और इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।